कंफर्टेबल है ना आवाज कंफर्टेबल है <coughs> Hello. Hello, chick. Hello, hello, hello. <laughs> माई डियर फ्रेंड्स अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून वैसे हम बैच में कभी गुड आफ्टरनून नहीं बोलेंगे आवाज नहीं आ रही है आवाज नहीं आ रही है इस साइड बोल रहे आवाज नहीं आ रही है ज्वाइन वेरी वेरी फास्ट ज्वाइन वेरी वेरी फास्ट जो लोग ऑनलाइन <coughs> और पर वॉल्यूम ठीक है अभी ठीक है अभी आ रही, रही है आवाज नहीं बोल रही लोग स्पीकर्स ऑन नहीं है उधर ऑन है उधर आवाज नहीं आ रहा है ऐसे क्यों हो रहा है तो आई एम श्योर कि आपका पहला दिन आपका पहला दिन था कल और आपने कल जो पढ़ा वो एक बार जाकर बस देखा सिर्फ देखा लिखा भी क्या बात है क्या बात क्या बात है किया वो सिस्टम हेलो चेक हेलो अभी ठीक है अभी आ रहा है इससे आवाज सबको वेरी गुड चलो सही सो हम लोग बैच में बहुत बहुत बड़ा वॉल्यूम हो गया कम करना थोड़ा वॉल्यूम हेलो हेलो चेक हेलो चेक हेलो 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 इट्स ओके नाउ ओके डन सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स ये हम लोग जनरली बैच में बोलेंगे हर दिन बोलेंगे गुड मॉर्निंग दोस्तों गुड मॉर्निंग क्यों बोलना जरूरी है ये आफ्टरनून टाइमिंग है थोड़ा साइकोलॉजिकली आप फ्रेश हो जाओगे और दूसरी बात दूसरी बात साइकोलॉजी के तेल लेने अपने को मॉर्निंग का पहले लेक्चर जैसे पढ़ना है आर यू क्लियर चलिए सो वंडरफुल स्टार्ट यस्टरडे हमने क्या किया हमने कल हमने पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ओवरव्यू देखा मैडम ध्यान इधर दोगे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ओवरव्यू देखा हमने और उसमें देखा हमने दो बेसिक फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर मैंने कल ये शब्द यूज नहीं किया था मैं आज पहली बार यूज कर रहा हूं दो बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर आप सोचिए कल तीन फंक्शन लिखे थे दो बेसिक क्या रहेंगे प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन अंडरस्टूड परफॉर्मेंस इवेल्यूशन नहीं दो बेसिक फंक्शन में क्या आएगा प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स क्या होता है प्रोक्योरमेंट ब्रिंगिंग मनी इन द बिजनेस इज कॉल्ड एस प्रोक्योरमेंट प्रोक्योरमेंट को टेक्निकली आज पहली बार मैं बोल रहा हूं फिर से ध्यान से सुनो टेक्निकली प्रोक्योरमेंट को बुलाते हैं फाइनेंसिंग फंक्शन बोलो एक बार वेरी गुड फाइनेंसिंग फंक्शन ओके फाइनेंसिंग फंक्शन मतलब क्या बिजनेस में फंड रेस करना फाइनेंसिंग फंक्शन अंडरस्टूड अच्छा यूटिलाइजेशन को टेक्निकली क्या बोलेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन बोलो एक बार वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फंक्शन मींस यू आर इन्वेस्टिंग मनी दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट फंक्शन द मोमेंट यू ब्रिंग द मनी दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंसिंग फंक्शन तो कितने दो बेसिक फंक्शन या एस्पेक्ट क्या है फाइनेंसिंग फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन आर यू जेबिंग सबको क्लियर है ओके नाउ थर्ड फंक्शन कम्स इन टू पिक्चर दैट इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन ठीक है

तुम और मैं कितने लोग बैठे तुम और मैं एक ही है आप आप एक ही पर्सन बैठे हो मैं हूं आपके लिए पर्सनल कोचिंग चल रहा है ठीक है सोचो क्लास में सिर्फ पर्सनल कोचिंग है आप है और मैं हूं ठीक है और बस बिंदास आंसर दो बिंदास आंसर दो ठीक है तो बोलो टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग में हम कितनी चीजें देखकर कंपनी का फंड डिसाइड करते कितनी चीजें देखते हैं तीन चीजें देखते हैं वेरी गुड पहला आर सी सी याद है क्या पहला रिस्क दूसरा और तीसरा कंट्रोल तो बोलो एक बार रिस्क कॉस्ट एंड कंट्रोल वेरी गुड रिस्क मतलब आप जो पैसा ला रहे हो उसके ऊपर आप कमिटमेंट ले रहे हो कि पीरियोडिकली आपको फिक्स रिटर्न देना है रिस्क का मतलब क्या बोला मैंने अभी पीरियोडिक रिटर्न देना देख भाई वो तो पास हो जाएगा तू नहीं होगा उससे बात मत कर दूर रहे उससे ठीक है तो पीरियोडिक रिटर्न देने का कमिटमेंट उसको बोलते हैं रिस्क और दूसरा रिस्क भी था एक रीपेमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे करने का रिस्क तो सबसे ज्यादा रिस्क इसमें था दोस्तों इक्विटी या डेट डेट में था क्योंकि इक्विटी वाले लोग तो फिक्स रेट से रिटर्न भी नहीं लेते हैं। और पीरियॉडिकली रिटर्न नहीं ले रहे और प्रसाद साथ में एंड में रीपेमेंट भी नहीं मांग रहे Are you तो रिस्क किसका ज़्यादा हुआ हुआ कब सबसे कम रिस्क किसका हुआ? का समझा इसको हम लिखेंगे बात करते हैं। दूसरा कंट्रोल कंट्रोल का मतलब था वोटिंग पावर बोलो एक बार वोटिंग पावर मतलब मैनेजमेंट ऑफ कंपनी मैनेजमेंट वोटिंग पावर्स किसके हाथ में दो, होते हैं दोस्तों इक्विटी होल्डर्स प्रेफरेंस या सिर्फ इक्विटी या प्रेफरेंस सिर्फ इक्विटी आप बोलोगे नहीं सर हमारा भी कुछ वोटिंग पावर होता है सर ओनली टू मैटर्स कनेक्टेड विथ यू एजीएम में आप इन्वाइटेड नहीं होते हो ये लोग इन्वाइटेड होते है. तो ये रियल ओनर्स हो गए डेट होल्डर्स ये तो आउटसाइडर्स है भाई ये तो आउटसाइडर्स है समझे तो फिर ऐसे केस में सबसे ज्यादा अपने वोटिंग के एंगल से सबसे ज्यादा एलिमेंट इंपॉर्टेंट होता है इक्विटी का अगर मैं फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी करूं तो कहना है आई एम डाइल्यूटिंग माय कंट्रोल क्या शब्द यूज किया डाइल्यूटिंग माय कंट्रोल बट अगर मैं फ्रेश शेयर इशू करता हूँ या मैं फ्रेश डिबेंचर इशू करता आई डाइल्यूटिंग माई कंट्रोल आई होप यू आर कंफर्टेबल विथ कंट्रोल एस्पेक्ट ओके तीसरा एलिमेंट आता है कॉस्ट आज बात करेंगे उसके बारे में कॉस्ट के हद तक मैं आपको सिर्फ एक आइडिया के रख रहा हूँ किसका कॉस्ट ज्यादा है कम है वो बाद में बात करते हैं कॉस्ट की हद तक जस्ट गेट अ फेयर आइडिया अबाउट व्हाट इज कॉस्ट कॉस्ट का मतलब फंड लाने के वक्त का कॉस्ट नहीं है मैंने कल भी बोला आपको याद है का अधिकतर स्टूडेंट्स ये सोचते है कॉस्ट मतलब पैसा लाने के वक्त का कॉस्ट बिल्कुल नहीं पैसा यूज करने का कॉस्ट पीरियोडिकली जो हमें रिटर्न देने पड़ते हैं वो लॉजिक से कॉस्ट उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर यू क्लियर तो रिस्क कॉस्ट एंड कंट्रोल ये तीन एस्पेक्ट देखकर देखकर कंपनी के फाइनेंस मैनेजर क्या करते हैं दोस्तों yeah. कंपनी का डैश डिसाइड करते हैं कैपिटल वेरी गुड कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा दो शब्द आपने जिंदगी में पहली बार कल सुने थे तो मौका दो ब्रेन को एब्सॉर्ब करने का पहला था कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा था कैपिटल स्ट्रक्चर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल लॉन्ग टर्म सोर्सेस से जितना भी पैसा आया उसका फाइनल अमाउंट फॉर एग्जाम्पल कल के एग्जाम्पल के मुताबिक हंड्रेड करोड़ वॉज वॉट कैपिटल एम्प्लॉयड बट फाइव इज टू थ्री इज टू टू कैपिटल स्ट्रक्चर था वो फाइव वो जो हंड्रेड है उसमें से फिफ्टी मैं आपके पास से लाऊंगा थर्टी करोड़ इनके पास से और ट्वेंटी करोड़ डेट वालों के पास से so, इस प्रोपोर्शन को इस रेशियो को हम क्या बुलाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर बुलाते एवरी मंथ विद मी सबको समझ में आ रहा है वेरी गुड तो रिस्क कॉस्ट कंट्रोल देखा कंपनी का डैश डिसाइड किया कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड किया और कैपिटल स्ट्रक्चर कभी भी डैश होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं बोला कॉस्ट तो लिस्ट होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर कभी भी कंपनी के लिए लेवरेज गिविंग होना चाहिए क्या होना चाहिए लेवरेज गिविंग सर लेवरेज एडवांटेज याद आया दोस्तों लेवरेज मतलब एडवांटेज तो लेवरेज गिविंग कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए आर यू क्लियर लेवरेज मींस एडवांटेज और एडवांटेजेस कब होगा वो सब अपन आज देखेंगे बट आइडिया आ गया आपको फेयर आइडिया आ गया कि भाई कॉस्ट जब सबसे कम होगा तब एडवांटेजेस है रिस्क कंट्रोल देखते हैं आज डिटेल में क्लियर नाउ इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि पैसा तो आ गया अब पैसा हम क्या करेंगे इन्वेस्ट Invest करेंगे इन्वेस्टमेंट मतलब यूटिलाइजेशन utilization. यूटिलाइजेशंस कितने टाइप के हैं दो टाइप के हैं पहला लॉन्ग टर्म दूसरा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट है क्या यस वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन का दूसरा नाम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेनली थ्री रीजन पहला ह्यूज इन्वेस्टमेंट दूसरा लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन तीसरा रिवर्सिबल इन नेचर शादी का एग्जाम्पल क्या लिया तुम लोग एकदम परफेक्टली याद रखे इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व आज का फैसला फ्यूचर पे इंपैक्ट करेगा कई सालों तक एंड तीसरा बात इन रिवर्सिबल इन नेचर शादी के एंगल से मत सोचो कैपिटल एक्सपेंडिचर के एंगल से सोचो सोच रहे हो ना दूर की सोच रहे हो देन तीसरी बात आपका ये तो हो गया आपका तीन इंपॉर्टेंट चीजें अब अगर इतना इंपॉर्टेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर का पहले मीनिंग देखा फिर उसके इंपॉर्टेंस देखे अब बताओ कि अगर आप एक फाइनेंस मैनेजर हो जानते हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं सोच समझ के फैसला लेना तो चाहिए तो फिर क्या करें कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स यूज करेंगे क्या करेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स सर वो क्या होता है पहले दिन सब थोड़ा ना सीखेंगे वक्त दो चैप्टर से ये पूरे जो अपने बात किया ये पूरे चैप्टर्स है ऑब्वियसली हर चीज समझेगी डिटेल में अपने को ठीक है नाउ कमिंग टू शॉर्ट टर्म यूटिलाइजेशन शॉर्ट टर्म यूटिलाइजेशन का दूसरा नाम वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मैनेजर को मैनेजमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए करना चाहिए मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ये भी एक चैप्टर है आपके सिलेबस में डे टू डे ऑपरेशंस में जो वर्किंग कैपिटल लगता है उसे हम मैनेजमेंट इसलिए करते हैं बिकॉज हम उससे जरूरत से ज्यादा ब्लॉक नहीं रखना चाहते पैसा और जरूरत से कम ब्लॉक भी नहीं रखना चाहते कल अपन ने एग्जाम्पल देखा था जरूरत से अगर ज्यादा ब्लॉक रहेगा तो करेक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जरूरत से कम ब्लॉक रहेगा तो शॉर्टेज होगा आपका प्रोडक्शन रुक सकता है आपका गुडविल भी खराब हो सकता है डे टू डे एक्टिविटीज में आपके पास कैश बैंक बैलेंस जो एक वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट है अगर कैश एंड बैंक बैलेंस जरूरत से कम रहेगा तो आपको लगता है आपका रेपुटेशन अच्छा रहेगा बस कंपनी के पास कैश एंड बैंक बैलेंस कम है डेटर्स क्रेडिट पर मांग रहे हैं अपने पास पैसा नहीं है क्रेडिट पर बेचने के लिए डू यू थिंक ये बिजनेस करने का तरीका सही है नो सो ऑब्वियस बात है कि ऐसे सब सिचुएशंस में हम क्या करते हैं हम मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल करते हैं और डे टू डे एक्टिविटी में हमने एक और चीज देखी थी कि भाई एवरी ईयर कंपनी कमाता है कुछ प्रॉफिट्स आप लोग वेट करते हो ईगरसली इनको पे कर दिया उधर से गवर्नमेंट थी गवर्नमेंट को पे कर दिया इधर से प्रेफरेंस वाले लोग थे इनको पे कर दिया अब आप बोलते हो हमको पे कर दो तो मैं बोलूंगा पूरा पे कर दूं क्या इनफैक्ट आप बोलोगे मत पे करो मत पे करो अगर कंपनी की सच में एक लेवल है अपनी भाषा में एक औकात है अच्छा कमाने की तो आप बोलोगे भाई एक काम करो मत पे करो मगर अगर पैसा आपका है तो आपको पे करने में फायदा है कि नहीं करने में फायदा नहीं करने में अगर मेरी फर्म एक बहुत प्रॉफिट मेकिंग फर्म है कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ये माइक्रोसॉफ्ट एप्पल ये ऐसी कंपनियां क्या कर रही है प्रॉफिट रिटेन कर एक्सपानशन पे एक्सपानशन कर रही है रेवेन्यू बढ़ा रही है प्रॉफिट बढ़ा रही है और ऑब्वियसली शेयर प्राइस बढ़ रहे So, ये कंपनीज अपना शेयर प्राइस बढ़ाने में ज्यादा यू नो इंटरेस्टेड होते हैं और शेयर होल्डर्स को अल्टीमेटली रिटर्न्स चाहिए रिटर्न्स आपके दो तरीके के होते हैं दोस्तों एज अ शेयर होल्डर पहला है अप्रिसिएशन ऑफ शेयर प्राइस दूसरा है डिविडेंड दो पांच दस रुपए डिविडेंड पर शेयर लेके क्या कर लोगे उससे अच्छा सौ दो सौ रुपए पर शेयर प्राइस बढ़ने दो समझे सो दिस इज हाउ द होल थिंग दिस इज डे टू डे एक्टिविटीज का डिसीजन ये पूरे डिस्कशन को क्या बोलते हैं डिविडेंट डिसीजन क्या बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन डिविडेंड कितना बांटना है प्रॉफिट कितना रिटेन करना है इसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन बाय द वे फाइनेंस बहुत टेक्निकल शब्द मतलब सब्जेक्ट है जिसमें कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स ये लोग यूज करते हैं जिससे हमें लगता है कि पता नहीं क्या बहुत भ्रांसु चीज होगी जैसे कि एक फाइनेंस में वर्ड है अभी बात निकली इससे बोल रहा हूं जैसे आपने लिवरेज देखा एडवांटेज वैसे एक और वर्ड होता है फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्या बोलते बोलो कुछ अंदाजा रिटेन्ड अर्निंग्स का दूसरा नाम है ये क्या नाम बोला फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या फ्लोइंग बैक पीछे खींचना किस चीज को प्रॉफिट को मैं कंपनी ये इक्विटी शोल्डर्स इस टेबल पर रखा है प्रॉफिट मैं बोल रहा हूं पूरा मैं कुछ पार्ट खींच रहा हूं मेरी तरफ बाकी का आप ले लो बाकी का आप ले लो इज वॉट डिविडेंड पेड जो मैंने खुद की तरफ ले लिया वो क्या है रिटेन अर्निंग्स तो इसी का दूसरा नंबर गया प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट तो यू बिलीव सी ये इंटर में ऐसा शॉर्ट नोट आया था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट लोगों ने बोला आउट ऑफ सिलेबस सेंटर के बाहर आके आउट ऑफ सिलेबस सो गाइस आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है बस आपके कवरेज के अंदर रहना चाहिए बहुत कॉमन है ये बहुत कॉमन है बट ये डिस्कस कर लिया तो अच्छा है ना बस अब याद हो गया अब इसके बाकी सिलेबस में रिटेन जब जब आएगा फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोल देंगे ताकि एग्जाम तक याद रहे समझे सो फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट रिटेन डिविडेंड डिसीजन हो गया ठीक है अब ये सब होना चाहिए था ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखने के लिए पीच वाला फंक्शन आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में रेशो एनालिसिस पिक्चर में आता है कुछ लोग बोल रहे थे सर रेशो हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ा है क्या वो यही रेशो है हंड्रेड परसेंट यही है पूरा सिलेबस यही है डोंट वरी रेशो का सिलेबस पूरा है वही है आप लोगों ने पढ़ा है वही रेशो रहेंगे बट मेरा यकीन मानिए इतना टेक्निकली आपने कभी नहीं पढ़ा रहेगा जितना अपन अभी पढ़ेंगे पूरे लॉजिक्स के साथ पूरे लॉजिक्स आंसर निकालना इंपॉर्टेंट है सर रेशियो में हमारे आंसर निकलते हैं आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है जब आप सीए बन जाओगे ना सॉफ्टवेयर आपको आंसर देगा अल्टीमेटली उसका इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए रिपोर्ट्स आपको आंसर दे देती है आपको आंसर निकालना नहीं होता सीए बनने के बाद सीए बनने के बाद उसका एनालिसिस अपने को आना चाहिए कि वो रेशियो क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है आपको तो जैसे हमारे बार बोलते हैं कि आप तो डिजिटल एरा में पैदा हुए हो आपका कंपटीशन तो एक्चुअली एआई के साथ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है वैसे भी आप जनरेशन सी हो ना जेड जेन सी हो ना हाँ कौन सी ईयर को बोलते भाई देवी नाइनटीन नाइनटी फाइव के बाद वन के बाद अगर 95 के की बात रहेगा तो मेरा थोड़े से मिस हो गया ऐसा चलिए तो मेरे डिजिटल एरा के दोस्तों आपको अल्टीमेटली आपका नॉलेज आपका आई इतना अच्छा करना है कि ए आप बनाओ समझे कि नहीं ए के साथ कॉम्पीट नहीं करना है ए आपको बनाना है दूसरे लोग कॉम्पीट करते रहेंगे आप बनाने का काम करो ए बनाना है आप चलिए तो फिर यहां से हम शुरुआत करते हैं अभी आगे का पार्ट यहां पर हम लोगों ने देखा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी याद आया बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम बाद में कवर करेंगे वो प्रैक्टिकल पार्ट है ओके थ्योरोटिकल पार्ट भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है जो थ्योरी नहीं है एक्चुअली ही है सिर्फ डिस्कस करना है इसलिए थ्योरी बोल रहा हूं मैं रिस्क कॉस्ट एंड कंट्रोल आज डिस्कस करेंगे हम लोग रिस्क कॉस्ट एंड कंट्रोल तो आपके जो टेक्स्ट बुक है जिनको मिल गया रहेगा पेज नंबर टू पर डोंट वरी जिनको नहीं मिला है मेरे स्क्रीन पर रहेगा डोंट वरी एट ऑल जो भी ऑनलाइन में स्टूडेंट्स है वे जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था गाइस टेलीग्राम पर मेरा पूरा का पूरा नोट्स का सॉफ्ट कॉपी मैंने शेयर कर दिया है तो आप कहीं पर भी आप पढ़ सकते हो आप बस टेलीग्राम ओपन करो और पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो जन कर सकते हो तो यहां पर आपको हेडिंग दिख रहा है देखो रिस्क कॉस्ट एंड कंट्रोल तो सबसे पहले बात करते हैं कि टू बेसिक पहला क्या बोला अपन प्रोक्योरमेंट दूसरा क्या बोला ने यूटिलाइजेशन याद आया हूं? क्या बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंस फंक्शन ओके अब बात करते हैं कि भाई प्रोक्योरमेंट करते वक्त मेजर कंसिडरेशन ध्यान दो प्रोक्योरमेंट करते वक्त मेजरली किन चीजों पर आप ध्यान देकर प्रोक्योरमेंट करोगे तो रिस्क कॉस्ट एंड कंट्रोल पहला बात आता है रिस्क का एवरी वन विल फोकस एंड देन ओनली वी विल राइट ठीक है राइटिंग के लिए वहां पर आपके नोट्स में स्पेस दिया है दिख रहा है आपको वाई कॉस्ट ऑफ यूजिंग इक्विटी इज मोर देन यूजिंग डेट लिखा है सेकेंड क्वेश्चन यहां पे लिखा है रिस्क ऑफ डेट कैपिटल इज़ मोर देन इक्विटी कैपिटल तो ये क्वेश्चंस के आंसर अपन बाद में करेंगे पहले आप डिस्कस करो मेरे साथ विदाउट बीइंग बायस्ड विदाउट बीइंग बा मतलब कुछ मत सोचो सिंपल डिस्कशन स्टार्ट करते आप बात नहीं करोगे आपस में ध्यान दोगे डिस्कशन पे बेटा आपको पास होना है ठीक है तो सबसे मेन रिस्क की हद तक बात करेंगे इक्विटी मेरे राइट साइड प्रेफरेंस मेरे लेफ्ट साइड डेट सब लोग मेरे साथ हैं बोलो रिस्क आपको क्या लगता है किस कैपिटल का सबसे कम है मेरे क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट होने दिया करो कभी भी आईसीआई और प्रशांत सरडा को प्रेडिक्ट नहीं करते क्वेश्चंस की हद तक प्रेडिक्ट नहीं करते आपका सबसे बड़ा मिस्टेक रहेगा अगर आप ये करोगे तो ठीक है तो बोलो सबसे मेन पार्ट रिस्क कौन से कैपिटल का सबसे कम रहेगा इक्विटी कैपिटल सबको लगता है ये कोई ऐसा है जो बोलेगा नहीं सर ऐसा नहीं रिस्क ज्यादा है आप माइक पास करो यहां पर माइक देखो ले लो बेटा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ये जो भी डिस्कशन चल रहा है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ ठीक है आ, आप बहुत बड़ी पोस्ट पे हो कौन हो आप सीएफओ आप कंपनी के फैसले ले रहे हो गाइस और ऐसे केस में कंपनी के एंगल से अगर मैं बात करूं तो मैंने फंडिंग तो तुम तीनों से ली है तो तुम तीनों में से सबसे ज्यादा रिस्क कौन है डेट उससे कम प्रेफरेंस सबसे कम समझो बात को भाई समझो बात को ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं सबसे ज्यादा रिस्क डेट का है क्यों डेट का रहेगा सबसे ज्यादा रिस्क ये लोग बोलते हैं इनरेस्पेक्टिव मेरे वर्ड्स को ध्यान दो मेरे वर्ड्स पर ध्यान दो अभी इन ऑफ योर फाइनेंशियल पोजिशन यू रीपे अवर प्रिंसिपल रीपेमेंट इेस्पेक्टिव ऑफ योर एवरी प्रॉफिट यू रिटर्न दैट इज इंटरेस्ट क्या बोला दो चीजें ऑफ़ फाइनेंशियल पोजिशन मतलब पैसा पैसा की सिचुएशन उसको बोल रहे फाइनेंशियल पोजिशन यू रीपे अर प्रिंसिपल अमाउंट दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं ये लोग इन रेस्पेक्टिव ऑफ योर प्रॉफिटेबिलिटी यू पे एवरी ईयर फिक्सड रेट ऑफ रिटर्न पीरियोडिक रिटर्न दैट इज इंटरेस्ट तो ये इनका रिस्क प्रेफरेंस वालों का रिस्क डेट वालों से कम क्यों है क्योंकि ये लोग भी इनका प्रिंसिपल वापस मांग रहे हैं मांगोगे ना रेडिमेबल प्रेफरेंश होते हैं ना तो ये लोग अपना प्रिंसिपल वापस मांगेंगे ना यस तो ये लोग भी रिस्की है दूसरी बात ये लोग अपना रिटर्न फिक्स रेट से लेते हैं क्या यस बट थोड़ी सहूलियत थोड़ी सहूलियत देते हैं ये लोग थोड़े से कर्टसी वाले लोग क्या बोलते लोग? थोड़ा माइक लेके इंटरेक्शन करेंगे ना माइक लोग उधर से थोड़ा बोलो यार मैडम आपके पास माइक आना चाहिए पहला आप, आप, आप बोलो ऑन करो लॉन्ग प्रेस करो उसे ऑन हो जाएगा वो आया क्या हुआ क्या हाँ बोलो यस yes. <coughs> तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि भाई प्रेफरेंस वाले जो लोग हैं ये थोड़ी सहूलियत देते हैं ये थोड़े से कर्टेसी वाले लोग हैं कंपेयर टू डेट क्यों हर साल फिक्स रेट से आप इंटरेस्ट ले रहे हो ये लोग फिक्स रेट से प्रेफरेंस डिविडेंड ले रहे हैं आप भी प्रिंसिपल अमाउंट वापस मांग रहे हो ये लोग भी प्रिंसिपल अमाउंट वापस मांगेंगे बट 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 आप लोगों जितने ये लोग स्ट्रिक्ट नहीं है ये लोग थोड़े से लीनेंट है क्यों हाँ नहीं माइक में बोलो अरे बोलो मैडम कोई नहीं क्लास में बोलो आप बोलो कंपनी बेर लॉसेस देन दे कैन दे कैन डिले द डिविडेंड यस इफ द कंपनी इज इन लॉसेस दे कैन डिले द डिविडेंड व्हिच डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड ठीक है उधर इसको रख दो इधर थोड़ा सा उस साइड रखो आपके पास रहना नाउ अगर कंपनी लॉसेस में है तो कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना जरूरी नहीं है अच्छा दो टाइप इसमें भी होते हैं नॉन के केस में क्या होता है लास्ट ईयर लॉस था इस बार प्रॉफिट है तो इस बार दोनों साल का दे दो मतलब क्यूलिटी वालों की याददाश्त थोड़ी स्ट्रांग होती है मगर नॉन क्यूमिटिव वाले गजनी लोग होते गजनी लोग ये लोग क्या बोलते हैं अरे लॉस था ठीक है मत दो अगले साल प्रॉफिट हुआ अब तो दे दो मगर इसी साल का आर यू अंडरस्टैंडिंग बट डेट वाले लोग बोलते हैं भाई तेरा लॉस तेरा प्रॉब्लम हमारा कोई लेना देना नहीं है हमें फिक्स रेट से इंटरेस्ट चाहिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसको क्या बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये लोग आउटसाइडर है बोल रहा हूं मैं आपको सीधी सीधी भाषा में ये जो भी चल रहे शेयर कैपिटल वाले अपने इनसाइडर वाले लोग हैं उसमें से भी तुम थोड़े सौतेले बिहेव करते हो तुम बोलते हो हम इनसाइडर रहने दो मगर हमको फिक्स रेट दो तो हम बोलेंगे ठीक है फिर आपको वोटिंग पावर नहीं है वोटिंग पावर उनको है जिन्होंने हमारा एंड तक साथ दिया है रियल ओनर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स सही है होप यू अंडरस्टैंड दिस तो रिस्क डैश कैपिटल का सबसे कम है इक्विटी कैपिटल का क्यों ये लोग बोलते फिक्स रेट से डिविडेंड मत दो बिल्कुल मत दो और दूसरी बात प्रिंसिपल अमाउंट तो रीपे करो ही मत नॉर्मल ऑफ़ बिज़नेस में और अगर हम बोलते नहीं नहीं कैपिटल बहुत हो गया करना है, तो बोलेंगे ठीक है आपकी मर्जी हम बेचे ना बेचे वो हमारी मर्जी। मतलब में, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता समझा ना तो ये दो एक्सट्रॉर्डनरी सिचुएशन में आपका पैसा कंपनी खुद होकर वापस कर रहा है पहला लिक्विडेशन और दूसरा बाय बैक आर यू विद मी ग्रेट तो रिस्क कौन से कैपिटल का सबसे ज्यादा है डेट उससे कम रेफरेंस सबसे कम इक्विटी का बट अब आते कॉस्ट पे कॉस्ट कौन से कैपिटल का सबसे ज्यादा है कॉस्ट कौन से कैपिटल का सबसे ज्यादा है डेट बोली सूरत दिल के खोटे इक्विटी वाले लोग अरे बोल रहे रिस्क नहीं है कोई बात पैसा ले लो अरे घर की बातें मत देना सबको देने के बाद कुछ बचेगा तो देना ये सिर्फ बताने की बात है रियल में देखा जाए तो इनका रिस्क सबसे कम बट इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे ज्यादा है क्यों कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे ज्यादा माइक पास करो नहीं नहीं माइक में बोल माइक में बोलने से यहाँ के सभी लोगों को लगभग 800 लोगों को समझेगा और यहाँ पे ऑनलाइन में जो 800 लोग हैं उनको भी समझेगा कोई बात वॉल्यूम वालि कम कर दो थोड़ा थो। यस <laughs> तो बोलिए बोलिए हाँ हो गया हो गया वहां पर एडजस्टमेंट चल रहा हाँ, हो गया, है हो गया, uh, uh, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर uh, उनका फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न दे दिया तो बाकी पूरा प्रॉफिट तो हमारा ही है ना तो हम एक्सपेक्टेशन हायर एक्सपेक्टेशन हायर एक्सपेक्टेशन ये लोग क्या बोलते हैं कंपनी हमारी है मैं कंपनी आपका कंपनी इनको दे दिया ये आउटसाइडर्स थे फिक्स्ड रेट से दे दिया इनको दे दिया ये भले इनसाइडर थे मगर फिक्स्ड रेट से ले रहे थे अब गवर्नमेंट को भी दे दिया था उसके बाद इनको दिया अब जो बचा ये तो पूरा हमारा ही है तो इनके रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कभी भी दूसरों से ज्यादा है आर यू जेबिंग ये लोग बोलते हैं बॉस कंपनी हमारा है तो रिटर्न्स भी सबसे ज्यादा हमको ही मिलने चाहिए जो सबको देने के बाद बचा वो सब हमारा है समझे अब आप बोलोगे सर वो तो री हो रहे हैं ना सर वो तो डिविडेंड के तौर पर नहीं ले रहे हम लोग वो अलग बात हो गई बट अगर डिवेंचर होल्डर्स को दस परसेंट इंटरेस्ट दिया जा रहा है प्रेफरेंस वालों को ग्यारह परसेंट डिविडेंट दिया जा रहा है एग्जांपल, तो ये लोग बोलेंगे भाई आउटसाइडर्स को तुम लोग ग्यारह ग्यारह परसेंट दे रहे हो हमको ग्यारह से कम तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी समझा क्या तो मतलब आपके रिटर्न के एक्सपेक्टेशन कभी भी दूसरों से ज्यादा रहेंगे क्यों आप रियल ओनर्स हो आप बोलोगे कि कंपनी अगर दूसरों को आउटसाइडर्स को इतना दे सकती है तो हमें तो इससे ज्यादा चाहिए रीजन नंबर वन क्लियर क्या है रीजन नंबर वन हायर एक्सपेक्टेशन एवरी वन हायर एक्सपेक्टेश रीजन नंबर वन था रीजन नंबर टू आप जाते थोड़ा टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स ऑल ऑफ यू आई एम नॉट एज्यूमिंग आपको आता है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ठीक है देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज टैक्स डिडक्टेबिलिटी क्या बोलते हो क्या होता है सर जो इंटरेस्ट मैं आप लोगों को पे कर रहा हूं एज यू नो यूसेज ऑफ जो इंटरेस्ट मैं आपको पे कर रहा हूं इंटरेस्ट है बराबर जो आपको पे किया जा रहा है प्रेफरेंस वालों को वो प्रेफरेंस डिविडेंट है करेक्ट और जो आपको पे किया जा रहा है वो क्या है इक्विटी डिविडेंट है आप जरा दो मिनट के लिए सोचिए अकाउंटिंग वाइज जो इंटरेस्ट आपको पे किया जाएगा वो कहां जा रहा है अकाउंट्स में पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड ठीक है प्रेफरेंस डिविडेंड वालों का प्रेफरेंस डिविडेंड कहां जा रहा है पीएनएल डेबिट में पीएनएल डेबिट में <coughs> बिलो लाइन आइटम है वो उसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन बोलते हैं क्या बोलते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और वो पीएनएल के बाद बनता है और बैलेंस शीट के पहले बनता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट वहां डेबिट होता है कौन सा आइटम प्रेफरेंस डिविडेंड एज वेल एज इक्विटी डिविडेंड ऑल ऑफ यू तो कैन से इसका मतलब थोड़ा दो मिनट के लिए कंसेप्चुअली समझते हैं कि सपोज ये ए लिमिटेड है और यहां पर है बी लिमिटेड लिखो मत मैं आपको डिक्टेट करा दूंगा ये ए लिमिटेड का पीएनएल अकाउंट है और यहां पर यह बी लिमिटेड का पी अकाउंट है डेबिट साइड क्रेडिट साइड डेबिट साइड क्रेडिट साइड ए एंड बी लिमिटेड बोथ आर सेम सेम रेवेन्यू सेम एक्सपेंडिचर्स एवरी एस्पेक्ट में सेम है सिर्फ एक फर्क है क्या फर्क है गाइज ए एंड बी कंपनी एवरी एस्पेक्ट में सेम है सिर्फ एक चीज में चेंज है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर बोलो किस में कैपिटल स्ट्रक्चर में फर्क है मतलब क्या ए लिमिटेड ने इक्विटी वालों का पैसा और प्रेफरेंस वालों का पैसा लिया है मेनली चलो इक्विटी वालों का प्रेफरेंस वालों को साइड में रखते हैं एक ही बात है कैपिटल शेयर कैपिटल ना वैसे भी और बी लिमिटेड ने क्या किया है डेट वालों का पैसा यूज किया है तो दो मिनट के लिए सोचते हैं दोनों ने हंड्रेड हंड्रेड रुपीज लिए हंड्रेड करोज मानना है एग्जाम्पल भले आपके एक्सपेक्टेशन ज्यादा होते हैं और आपको भी दस परसेंट ही देना है बिकॉज हमें अलग पॉइंट सीखना है ना अभी तो हाइयर एक्सपेक्टेशन को साइड में रख के सेम एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं सो नाउ वट एवर कंपनी ए इज पेइंग इज हाउ मच अमाउंट हंड्रेड पर टेन परसेंट कम्स टू टेन रुपीज टेन रुपीज इज वॉट टू इंटरेस्ट जो पी एन एल डेबिट होगा करेक्ट है आर यू अंडरस्टैंडिंग उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना आया इज सपोज इंटरेस्ट पे करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना आया हंड्रेड ठीक है सब लोग समझ पा रहे हैं ओके okay. अगर मैं बोल रहा हूं कंपनी ए और भी बिल्कुल सेम है बाकी सब एस्पेक्ट्स में एक्सपेंडिचर सेम है आपके इनकम सेम है सब सेम है सिर्फ कैपिटल एक्सपेंड कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंस है तो गाइस ऐसे केस में कंपनी बी के पी एन एल डेबिट में क्या आना चाहिए टू इक्विटी डिविडेंड आ सकता है क्या दस रुपए और क्या हम बोल सकते हैं कि यहां पर भी टू नेट प्रॉफिट आएगा सौ रुपया इज दिस करेक्ट एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल तो यहां पर पीएनएल डेबिट इन इक्विटी डिविडेंड नहीं होगा इसका मतलब मेरा नेट प्रॉफिट सौ नहीं होगा एक सौ दस होगा और फिर ये एक सौ दस कहां जाएगा मानव पीएनएल अप्रोप्रिएशन में और वहां डेबिट होगा इक्विटी डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड समझा ट्रीटमेंट समझा अच्छा आपका टैक्सेशन क्या बोलता है टैक्सेशन बोलता है ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ना पे टैक्स लगाओ टैक्सेशन बोल रहा है ये जो प्रॉफिट दिख रहा है इस पे लगा दो टैक्स तो फिर यहां कंपनी का टैक्स आएगा सपोज थर्टी परसेंट से तीस रुपया थर्टी रुपीज बट दूसरी कंपनी में ये टैक्स एट द रेट तीस परसेंट से थर्टी थ्री रुपीज हो रहा है कंपनी सेम था कैपिटल स्ट्रक्चर सिर्फ फर्क था रेवेन्यू सेम एक्सपेंडिचर सेम कैपिटल एम्प्लॉयड भी सेम था सिर्फ फंड कहां से आए थे उसका डिफरेंस था नाउ टेल मी क्या दिख रहा है आपको कंपनी ए ने इंटरेस्ट पे करने की वजह से कम टैक्स भरा कितना कम टैक्स भरा दैट थ्री रुपीज इज कॉल्ड एज टैक्स शील्ड क्या बोलते हो उसको सर टैक्स शील्ड क्या होता है सर शील्ड मतलब प्रोटेक्शन शील्ड मतलब प्रोटेक्शन सो दिस टैक्स शील्ड इज गिविंग यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट टैक्स बिकॉज यू पेड इंटरेस्ट एंड वो डेबिट हो गया पी में इस वजह से तेरे कंपनी का टैक्स बचा कितना रुपया तीन रुपए और वो तीन कैसे आया उसके दो तरीके या तो थर्टी थ्री और थर्टी को कंपेयर करके तीन ले लो या तो सीधा दस रुपए पर तीस परसेंट सोचो क्या बोला समझा वो जो थर्टी थ्री और थ्री का डिफरेंस जो है वो थ्री रुपीज क्यों आया समझा ना वो इंटरेस्ट की वजह से आया डायरेक्टली तो कहना से कि भाई दस रुपए के इंटरेस्ट की वजह से हो रहा है तो दस रुपए पर तीस परसेंट ये भी तो तीन रुपए ही होता है ना एवरीवन वन दस रुपए पीएनएल डेबिट हुआ दस रुपए से नेट प्रॉफिट कम हुआ और दस रुपए ऑन दैट नेट प्रॉफिट कम होने वाला अमाउंट दस रुपए पे आपने तीस परसेंट लगा दिया दैट इज तीन का टैक्स सेव हो गया आर यू क्लियर अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं सर इतना क्यों कर रहे हैं सर एक काम करो भले ही बी लिमिटेड इक्विटी यूज किया है आपने जैसे पहले लिखा था टू इक्विटी डिविडेंट वैसे हम क्या करेंगे पीएनएल डेबिट इक्विटी डिविडेंट कर देंगे उससे क्या होगा सर ये जो कंपनी का टैक्स है ये ये प्रॉफिट है ये सौ आएगा और जो आप बोल रहे हो टैक्स थर्टी थ्री वो थर्टी आ जाएगा इनकम टैक्स अपन लोग प्रॉफिट पे ही पे कर रहे हैं ना वैसे भी तो पीएनएल डेबिट कुछ भी कर लो क्या फर्क गिरेगा पीएनएल डेबिट कुछ भी करो नेट प्रॉफिट तो कम हो गया भाई आप लोगों ने एक पूरा चैप्टर पढ़ा है टैक्स में जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन पीजीपीबी और उसमें आपने पढ़ा था इन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स याद आया तो ऐसा अगर कोई कंपनी करेगा तो तू एज ए टैक्स ऑडिटर वहां जाएगा तू लेगा प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट थर्टी थर्टी नहीं सौ सौ रुपए का प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट ये वाला सौ रुपये का प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐड इन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर ये दस रुपया क्या, करो, क्या करोगे करोगे तुम एज ए ऑडिटर एज एन ऑडिटर क्या करोगे ऐड बैक डिसअलाउड सेक्शन थर्टी सिक्स थर्टी सेवन क्या क्या पढ़ा था आपने है ना तो ये डिसअलावेबल एक्सपेंसेस है जो पीएनएल में डेबिट हुआ है वो एडबैक कर कर आपका एक रुपया जो आएगा वो क्या रहेगा प्रॉफिट एस पर टैक्सेशन और उस पर निकलेगा टैक्स तो मतलब तू पीएनएल डेबिट कुछ भी करेगा तो कुछ भी अलाउड रहेगा ऐसा होता है क्या समझा सो so, जो भी अभी किया था ये डिसअलाउड है तो ऐसा कुछ करना अलाउड नहीं है सिंपल है जो अभी लिखा था टैक्स मिलेगा टैक्सिल्ड किस पर मिलता है सर ध्यान से सुनो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है टैक्स शील्ड पीएनएल आइटम जो डेबिट करना अलाउड था और डेबिट किया उन सभी पर मिलता है फिर से रिपीट करो डेबिट करना अलाउड था और डेबिट किया है उस पर टैक्स शील्ड मिलता है नाउ टेल मी क्या आपको टैक्स शील्ड रेंट पर मिलेगा रेंट पर रेंट पर ये yeah, रेंट पर टैक्स शील्ड मिलेगा क्या भाई डेप्रिसिएशन पर यस, yes. क्यों भाई सेक्शन 32 बोलता है इनकम टैक्स सेक्शन 32 में पूरा स्केड दिया है उसमें रेट्स दिए है डब्ल्यू डीवी मेथड यूज करो पी एन एल डेबिट करो अलाउड है अच्छा मैंने एस एल एम मेथड यूज किया अलाउड नहीं है फिर से जो अपन ने किया था अभी वो होगा टैक्स ऑल्टर विल कमिंग टू पिक्चर वापस एडबैक करेगा वो एज पर एस एल एम और डिडक्ट करेगा एज पर डब्ल्यू समझा क्या आप लास्ट बेंच आपको झापड़ मिलेगी अगर वो हिट डाउन किया तो आसपास के लोगों की तरफ ध्यान दो भाई बाजू वाला डाउन करेगा तो जो बाजू में उसको थप्पड़ तुमको बचना है तो तुम पहले दे देना उसको हां एवरीवन फोकस टैक्स शील्ड कांसेप्ट क्लियर है क्या टैक्स शील्ड क्या होता है बोलो चलो कम ऑन गाइस क्या होता है जो भी आइटम पीएनएल डेबिट अलाउड है और तुमने कर दिया उसकी वजह से टैक्सेबल इनकम कम हुआ और आने वाला टैक्स बच गया क्या बोलेंगे टेक्निकली टैक्स शील्ड परफेक्ट ओके सो सेकेंड रीजन वाई इंटरेस्ट इज लेस कॉस्टली इज शील्ड एंड इक्विटी इज मोर कॉस्टली इज नो टैक्स शील्ड ये सेंटेंस समझा क्या बोला मैंने इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल ना तो उस पर मिलता है शील्ड यहाँ पर इक्विटी डिविडेंट इज लेस यू नो यू कैन से लेस फेवरेबल बिकॉज इस पर नहीं मिलता है टैक्स तो भाई इसका कॉस्ट कभी भी ज्यादा है तो कंपनी ए ने कितना पे किया गाईस? दस कंपनी ए ने इंटरेस्ट कितना पे किया दस मगर टैक्स कितना बचा तीन इफेक्टिव कॉस्ट कितना आया सेवन कंपनी बी ने कितना पे किया दस क्या पे किया दस का इक्विटी डिविडेंट बराबर है कि नहीं सौ रुपए पे दस परसेंट इक्विटी डिविडेंड पे किया और कॉस्ट कितना लगा कॉस्ट कॉस्ट कितना लगा टैक्स शील्ड जीरो है टैक्स शील्ड जो है वो जीरो है और पूरा दस रुपया टैक्स है ये जो तीन रुपया लेस किया था ये क्या था गाइस शील्ड था किस पर मिला इंटरेस्ट पर किस पर नहीं मिला नो टैक्स शील्ड क्यों

पी एन एल डेबिट करना अलाउड नहीं है चलो हम फिर भी कर रहे हमारी मर्जी तो कोई बात नहीं टैक्स ऑर्डर आएगा बैक कर लेगा समझ गए कुछ भी कर कर आपको टैक्स किस पर पे करना होगा प्रॉफिट एज पर टैक्स नॉट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉफिट एज पर टैक्सेशन समझे क्लियर है सब कुछ तो पहला रीजन था इक्विटी इज मोर कॉस्टली बिकॉज हाइयर एक्सपेक्टेशन दूसरा रीजन है नो टैक्स शील्ड ऑन इक्विटी डिविडेंड, वेर एज यू गेट अ टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट दैट इज डेट अमाउंट बराबर आर यू क्लियर चलो लिखते हैं इन सबको आपके नोट्स पे आना है आपको और आपके नोट्स नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं आपका नोटबुक ले लो और पहला पॉइंट पहला क्वेश्चन पेज नंबर थ्री पर मिलेगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन यू विल फाइंड ऑन पेज नंबर थ्री उसका आंसर मैं कर रहा हूं वाई कॉस्ट ऑफ यूजिंग इक्विटी इज मोर देन यूजिंग डेट इक्विटी वाले लोगों का कॉस्ट ज्यादा क्यों है कंपेयर टू डेट पहला रीजन हायर एक्सपेक्टेशन बीइंग द ओनर दूसरा नो टैक्स ऑन इक्विटी डिविडेंड बट यू गेट अ टैक्स ऑन इंटरेस्ट ठीक है वहां पर लिखो देर आर Two reasons. There are two reasons. Number one. There are two reasons. Number one. Higher expectations. Higher expectations. Higher expectations. बहुत अच्छे से नीट क्लीन टाइडी बनाओ नोट्स को आपको नीट, नीट क्लीन टाइडी का मतलब क्या होता है समझाना कल पे पूरा स्टिकी नोट वगैरह सब कुछ लगाना है आपको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब जगह लिखना है आपको ये बुक आपके एग्जाम के बाद आपको काम में नहीं आनी चाहिए किसी और को आनी चाहिए मांग के लेना चाहिए लोगों ने कि तेरा बुक दे यार क्या लिखा था मगर तुम्हें तुम्हें काम में नहीं आनी चाहिए फिर से एग्जाम नहीं देनी अपने को ठीक है सो हाइयर एक्सपेक्टेशन वहां पर लिखो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ कंपनी स्क्रीन से देखकर नहीं लिखना है मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं आपको समझता भी है तो आप लिखोगे जहां पर भी आपको कुछ देखना है तो ही जाकर आप स्क्रीन की तरफ नजर दिखाओ मतलब देखोगे ऊपर ठीक है अदरवाइज स्क्रीन की तरफ देखना नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ कंपनी एक्सपेक्टेशंस देयर एक्सपेक्टेशंस आर हायर देन अदर्स देयर एक्सपेक्टेशंस आर हायर देन अदर्स एक्सपेक्टेशन आर हाइयर देन अदर्स अदर्स में कौन आता है डेट एंड प्रेफरेंस सब सब आते हैं इस क्वेश्चन के अब अच्छा तक डेट आएगा इस क्वेश्चन के अच्छा तक डेट आएगा बिकॉज ये इन्होंने क्लियरली किसके बारे में पूछा है डेट के बारे में पूछा है देयर एक्सपेक्टेशन आर हाइयर देन अदर्स इसी में लिखो वेयर एज डेट होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस आर सोच के बोलो फिक्स्ड, लेस मत बोलो क्यों लेस भाई किसने बोला लेस इनके एक्सपेक्टेशन लेस होते क्या? होते, क्या? प्री डिसाइडेड था वही होगा अपटू भी नहीं उतना पूरा अप टू क्यों बोल रहे ना आप दस परसेंट था सपोज तो ये क्या अपू दस परसेंट में खुश रहने वाले आठ में खुश रहोगे आप नहीं पूरा दस लोगे आप तो इसका मतलब हम बोलेंगे वेर डेट होल्डर्स एक्सपेक्टेशन आर फिक्स्ड इन नेचर वेर डेट होल्डर्स एक्सपेक्टेशन आर फिक्स्ड इन नेचर आर यू वेरी क्लियर चलो सेकेंड पॉइंट नो टैक्स शील्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स शील्ड गाइस सेविंग्स इन टैक्सेस प्रोडक्शन अगेंस्ट टैक्स सेविंग्स इन टैक्सेशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट टैक्स ठीक है जिस चीज की वजह से आपका टैक्स बचेगा उसे बोलते हैं शील्ड नो टैक्स किस एंगल से लिखा आपने इक्विटी के एंगल से बराबर तो वहां पर आप लिखोगे इक्विटी डिविडेंड पेड आर डेबिटेड टू पीएनएल एन

दैट इज shield ड्यू टू पेमेंट ऑफ ड्यू टू पेमेंट ऑफ डिविडेंट नीचे लिखो वेर एज वेर एज अब किसके बारे में लिखना पड़ेगा डेट क्या लिखू डेट के बारे में आप ये सेंटेंस देखकर मुझे बताओ वेरी गुड वेरी गुड माइक बोलिए दीजिए यस ये सेम पॉइंट आप डेट के के लिए बना बताओ क्या लिखू जो डेट वाले रहते हैं उनको इंटरेस्ट वो पीनल में डालते हैं तो उसके वजह से उनको इंटरेस्ट इस वजह से उनको बेनिफिट मिल जाता है टैक्स सेविंग का करेक्ट तो so, उसको हम कैसे लिखेंगे वेयर एज वेयर एज इंटरेस्ट आर डेबिटेड टू पी एन एल अकाउंट सेविंग इन देर इज अ टैक्स सेविंग ओके यस परफेक्ट थोड़ा वर्ड फ्रेमिंग अच्छे से करेंगे ठीक है हम क्या बोलेंगे वेयर एज इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज डेबिटेड टू इज डेबिटेड टू P L account and hence there is a tax shield that is that is savings in taxes due to interest payment. रिपीट interest paid इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज डेबिटेड टू पी एन एल अकाउंट एंड देर इज अ टैक्स savings इज taxes ड्यू टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट पेमेंट बराबर क्या सबको समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू विथ मी ग्रेट 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 सो दो पॉइंट हमने देखे टैक्स आपके कॉस्ट की हद तक कौन से कैपिटल का कॉस्ट ज्यादा है बोलिए एक बार सब ईक पुडी सोर्सेस ठीक है कौन से कैपिटल का कॉस्ट कम है अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ आई ही रहा है कि क्यों कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में अलग-अलग सोर्सेस से फंड्स लाता है क्योंकि एक का कॉस्ट कम है तो रिस्क ज्यादा है दूसरे का रिस्क कम है तो कॉस्ट ज्यादा है हमें आइडियल कॉम्बिनेशन बनाना है इसका हमें क्या करना है इसका बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना है समझ में आया चलिए इसी के नीचे एक क्वेश्चन लिखा है रिस्क के बारे में वाई रिस्क ऑफ डेट कैपिटल इज मोर देन इक्विटी कैपिटल कमॉन गाइस माइक कहां पर है मेरा ब्लैक टी शर्ट आप बोलोगे बेटा रिस्क वाई रिस्क ऑफ डेट कैपिटल इज मोर देन इक्विटी कैपिटल आप इंग्लिश में बोलो या हिंदी में बोलो वॉट एवर मराठी में भी बोल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं कन्वर्ट कर लूंगा डेट कैपिटल का रिस्क ज्यादा क्यों है इक्विटी से भाई साहब फोन ऑफर फैसिलिटी नहीं है क्लास में कल थे ना आप क्लास में फिर डर क्यों रहे हो अभी भी तो रिवीजन किया इतनी बार रिपेमेंट यस वेरी गुड बोलो रिपेमेंट किसका करना होता है डेट वालो डेट वालों का कंपलसरी है सर ओके इक्विटी वालों का नहीं नहीं करना होता है पॉइंट नंबर वन वेरी क्लियर पॉइंट नंबर टू डेट वालों को रेट ऑफ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है इक्विटी वालों को नहीं देना पड़ता वेरी गुड सही है कि नहीं गुड वन गुड ट्राई It is much better than नहीं आता है सर समझे कि नहीं अपनी क्लास में ये एटीट्यूड सबके अंदर चाहिए मुझे कोशिश करेंगे एकदम स्टार्टिंग में क्लिक नहीं हुआ क्वेश्चन भी मिलेगा क्या अचानक से क्वेश्चन आ गया है कि नहीं बट कर लिया तुमने ठीक है चलिए आसान है सब आसान है डोंट वरी हंसते खेलते पढ़ लेंगे हो जाएगा लिखिए मेरे साथ लिखिए पहले पॉइंट नंबर वन क्या लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट तो इसके अंदर भी हम बोलेंगे देर आर कितने रीजेंस टू रीजेंस नंबर वन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट यहां पर लिखोगे आप देर इज अ कमिटमेंट टू रीपे प्रिंसिपल अमाउंट इन केस ऑफ डैश कैपिटल इन केस ऑफ डेट कैपिटल देर इज अ कमिटमेंट टू रीपे प्रिंसिपल अमाउंट इनकेस ऑफ डेट कैपिटल इफ अब मजा आएगा इनरेस्पेक्टिव ऑफ वेरी गुड फाइनेंशियल पोजिशन वॉट इज दिन ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन तेरे पास पांच साल बाद रिपेमेंट था कितना पैसा है कितना नहीं है डजेंट मैटर देना पड़ेगा मतलब देना पड़ेगा सो इर ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन फुल स्टॉप वेर एज केस ऑफ इक्विटी कैपिटल प्रिंसिपल अमाउंट कमिट सिपल रीपेमेंट कमिटमेंट डजेंट एक्सिस्ट बराबर है कि नहीं वेर एज इनकेस ऑफ इक्विटी कैपिटल इन वेर एज इनकेस ऑफ इक्विटी कैपिटल प्रिंसिपल रीपेमेंट कमिटमेंट डज नॉट एक्सिस्ट ठीक है लिखा सबने मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ रही है तो बहुत अच्छा है कम से कम आप स्क्रीन की तरफ देखोगे नहीं और सुनकर ध्यान दोगे और लिखोगे खुद के नोट्स में ठीक है सेकेंड पॉइंट बोलिए पीरियोडिक पीरियोडिक रिटर्न्स पीरियोडिक रिटर्न्स क्या बोलेंगे यहां पर इन ऑफ प्रॉफिट कहां पर पीरियोडिक रिटर्न्स देने पड़ेंगे डेट वाले के केस में एज इंटरेस्ट एज इंटरेस्ट तो यहां पर लिखो इन केस ऑफ डेट कैपिटल There is a commitment. There is a commitment to pay interest. There is a commitment to pay interest at fixed rate, at fixed rate, irrespective of. क्या बोलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी याद आया इन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन केस ऑफ डेट कैपिटल देर इज अ कमिटमेंट टू पे इंटरेस्ट यहां पे रीपे वर्ड यूज नहीं किया है पे बोला है पे क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी रीपे होता है और इंटरेस्ट कभी भी पे होता है करेक्ट सो देर इज अ कमिटमेंट टू पे इंटरेस्ट एट फिक्स रेट इन रेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी वेर एज क्या बोलेंगे वेर एज There is no commitment to pay fixed dividend at fixed rate, correct? Whereas, in case of equity, there is no such commitment. to pay dividend, to pay dividend at fixed rate. No such commitment to pay dividend at fixed rate. स्पेस <coughs> कम गिर रहा होगा तो उधर ही एडजस्ट करो कोई बात नहीं बहुत जगह अच्छा अच्छे फाइनेंस मैनेजर बनोगे आप रिसोर्सेस अवेलेबल रखते हो खुद के पास <coughs> इधर विनोद सर ने प्रैक्टिस करवा दिया आपसे पहले सही है। मतलब आप सबके लिए आसान है चलो अब ध्यान दो ये हमने बात किया पूरा का पूरा डिटेल में लिखा तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स तो आप कर सकते हो क्या लिखा है देखिए अभी रिस्क ओन फंड्स इक्विटी में क्या लिखोगे गाइस रिस्क आपके पैसों का रिस्क सबसे कम है तो यहां पे लिखेंगे लोएस्ट करेक्ट व्हाट अबाउट लोन फंड्स हाईएस्ट रीजन वही लिखा है जो अपन ने डिटेल में नीचे लिखा है डोंट वरी रीजन कुछ अलग नहीं लिखा है एक्सप्लेनेशन पूरा वही है इनफैक्ट अपन ने ज्यादा अच्छे से लिखा है ठीक है व्हाट अबाउट कॉस्ट माई डियर फ्रेंड्स ओन फंड्स हाइएस्ट कॉस्ट हाइएस्ट कॉस्ट यहां पर आएगा मोस्ट एक्सपेंसिव बोलना पड़ेगा यहां पे एक्सपेंसिव लिखा है ना तो अपन क्या लिखेंगे मोस्ट एक्सपेंसिव मोस्ट एक्सपेंसिव क्योंकि डिविडेंड के एक्सपेक्टेशंस हाई होते टैक्स शील्ड भी मिलता नहीं और लोन की हद तक कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट ना कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट रहेगा उसके दो रीजन है वापस से डिविडेंड फिक्स रेट से दिया जाएगा एक्सपेक्टेशन का सवाल ही नहीं आता फिक्स एक्सपेक्टेशन है बराबर और जो पी पे हो रहा है उस पर ऑबवियसली टैक्स शील्ड भी मिल रहा है करेक्ट तो ये कॉस्ट के कितने रीजन हो गए दो रिस्क के भी कितने रीजन हो गए दो रिस्क के रीजन क्या थे याद है रिस्क के रीजन याद है माइक कहां पर है मेरा पास कर दो उधर कमान पास द माइक एंड टेल मी पीछे आपके यस yes, मैम रिस्क के दो रीजन बताएंगे आप रिस्क के दो रीजन मैं क्वेश्चन उनको पूछा मगर देख आपकी तरफ राहू डोंट वरी आप उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करोगे लेटर थिंक रिस्क के दो रीजन आप बोल रहे हो यहां पर रिस्क ऑन फंडिये स्क्रीन पर रिस्क ऑन फंड्स का कम है क्यों कम है डरिए मत एक लंबी सांस लीजिए कितने लोग क्लास में दो है बोलिए पास कीजिए बाजू में बोलिए रिस्क के रीजन दो नहीं आगे पास कीजिए जो ओरिजिनली आए थे बोलिए रिप, रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पीरियोडिकल रिटर्न करेक्ट वेरी गुड तो गाइज ये हमने अभी अभी डिक्टेट भी किया हमने समझा भी पॉइंट वाइज लिखा भी एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से रिस्क ज्यादा होती है बिकॉज जब इनसे पैसा लिया गया तो ये लोग बहुत डेंजर है क्या बोल रहे हैं फिक्स रेट देना होगा और प्रिंसिपल भी वापस करना होगा प्रिंसिपल वापस करो इेस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हर साल इंटरेस्ट दो रेट से पोजिशन ऑफ आपका प्रॉफिटेबिलिटी व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी एवरी ईयर तुम कितना प्रॉफिट कमा रहे हो हमें कितना दे रहे हो हमें कोई लेना देना नहीं है हमें जितना कमिटमेंट दिया था उतना दे दो अंडरस्टूड चलिए कंट्रोल की हद तक डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल कौन से केस में होगा ऊपर लिखा है ओन फंड्स नीचे लिखा है डेट फंड्स ओन फंड्स फंड्स ओन में डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल होता है क्यों होता है वोटिंग पावर्स कल का एग्जांपल वापस रिपीट करते हैं मेरे शेयर होल्डर्स ये लोग हैं जो सौ लोग मेरे सामने बैठे इधर मार्केट है तीन लोगों का मगर मैंने इनको शेयर इश्यू कर दिए और फंड रेज कर दिया अब तक एजीएम में आप सौ लोग वोटिंग करते थे अब ये लोग भी वोटिंग करेंगे और अब फैसला चार सौ लोग करेंगे वो लोग जो तीन सौ लोग उधर बैठे हैं वो लोग जो भी रहेंगे क्वांटम उनका तीन सौ चार सौ वॉटर ये लोगों का वोटिंग पावर है क्या अच्छा जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में हजार लोग हैं इनका है क्या हजार तो नहीं है बट अभी धीरे धीरे कम होता है वैसे तो बट जो भी है पांच सौ सात सौ लोग तो ये लोगों के पास वोटिंग पावर है क्या ये लोग तो कोई भी नहीं है सर अपने एग्जाम्पल में इनको भी आउटसाइडर बना दो ये तो वैसे भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं आप तो क्लास में हो यार लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं ये लोग कौन है आउटसाइडर मतलब डेट होल्डर है 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 इनसे कंपनी ने पैसा लिया लिया क्या सोच के बोलो लिया है। कौन सा पैसा डेट जब मैं इनको आउटसाइडर बुला रहा हूं मतलब ये मेरी कंपनी में रेलिवेंट पार्टी है इनसे लिया है डेट बोलो इनको वोटिंग पावर देंगे क्या नहीं देंगे समझे क्यों नहीं देंगे सर अरे डिबेंचर होल्डर है वो तो इनको डेट होल्डर को वोटिंग पावर नहीं होती है प्रेफरेंस वालों को भी नहीं होती है मगर इसका मतलब बहुत सिंपल है गाइस अगर मेरी कंपनी ने आउटसाइड किसी भी आउटसाइड मार्केट में फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी किया तो ही मेरा कंपनी का कंट्रोल डायल्यूट होगा अदरवाइज डायल्यूट नहीं होगा आर यू क्लियर लास्ट बेंच आउटसाइडर बन गए थे दो मिनट के लिए कर क्या रहे हो यार कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल डाइल्यूट हो गया चलिए तो अब ध्यान से सुनो मैंने आपको एक बात बोली थी प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स के वक्त प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स के वक्त मैंने एक बात बोली थी एवरीवन <coughs> फोकस मैंने बोला था आपको प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स के वक्त कॉस्ट ऑफ कैपिटल डैश होना चाहिए एवरी ये जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ ना आपके एग्जाम में एमसीक्यू के तौर पर आएगा इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूं आपको मेरा तरीका इस बैच में पढ़ाने का और इसके पिछले बैच में पढ़ाने का टोटली अलग है मैं अब ये बैच में जब पढ़ा रहा हूं तो मैं दोनों एस्पेक्ट से पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे और एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट होंगे आपको एमसीक्यूज थर्टी मार्क्स के आएंगे साइड में में रख दो तो यहां पर मार्क मार्क आएगा 15 के से से कम से कम मुझे लगता है दस एमसीक्यूज ऐसे रहेंगे जो सॉल्विंग के रहेंगे सॉल्विंग और पांच एमसीक्यूज रहेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स ये मेरा जजमेंट है भगवान करे मैं फेल हो जाओ जजमेंट में और पूरे, 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 पूरे पंद्रह जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाए बट ऐसा नहीं होता तो प्लीज ध्यान दो पता नहीं कौन सा इन द ब्लैंक्स कौन सा चीज एमसीक्यू के तौर पे, पे आ जाए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कभी भी डैश होना चाहिए जब हम लेवरेज बोल रहे लीस्ट होना चाहिए यहां पे में थर्ड पॉइंट देख रहे हो प्रोक्योरमेंट में थर्ड पॉइंट देख रहे हो द कॉस्ट ऑफ फंड शुड बी ऐसा अब पैरो करो और यहां पर क्या लिखोगे आप लीस्ट कॉस्ट आपके टेक्स्ट बुक में प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स का थर्ड पॉइंट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड थर्ड पॉइंट मिला क्या सबको यहां पर आप क्या बोलोगे कॉस्ट ऑफ फंड कॉमन सेंस फर्स्ट डे से बोल रहे कल से ठीक है अब दूसरी बात आगे लिखा है प्रॉपर डैश होना चाहिए यहां पर तो अपन आप पैरों करेंगे इधर यह भी यहां पर अ प्रॉपर डैश ऑफ रिस्क एंड कंट्रोल फैक्टर बिकम एसेंशियल बैलेंस प्रॉपर

शार्क टैंक में जनरली बोलते कि आई एम रेडी टू ऑफर टेन परसेंट इक्विटी आई एम रेडी टू डायल्यूट टेन परसेंट इक्विटी तो ये सामने वाला जो ऑफर दे रहा है ये अपना कंट्रोल उतने एक्सटेंड तक डायलूट करने को तैयार है अपना कंपनी का बैलेंस रखते हुए उसका कितना स्टेक खुद के पास रहेगा कितना परसेंट मार्केट में जाएगा समझा क्या अब यह जो कंपनीज आईपीओल आती है तो ये कंपनीज के पूरे शेयर मार्केट में बिकते हैं क्या कुछ शेयर ओनर्स प्रोमोटर्स के पास है? बचे हुए शेयर्स जो है वो मार्केट में भेजे बराबर है कि नहीं इतना बड़ा आईपीओ आया अभी टाटा टेक्नोलॉजीज़ का तो कितना पंद्रह अठारह के आईपीओ में कितना पंद्रह अठारह परसेंट एग्जैक्टली तो भाई इतना यूज यूज IPO, जो था आईपीओ का प्राइस कितना था पांच पर शेयर लिस्टिंग किस पे हुआ बारह सौ रुपए पर हुआ फिर गया वो फोर्टीन हंड्रेड तक फिर प्रॉफिट बुकिंग होकर वापस बारह सौ पर आ गया है कुछ फिगर्स पता है आपको हम लोग फाइनेंस में आपके इंटर लेवल पर स्टॉक मार्केट डिस्कस नहीं करेंगे रीजन बोलता हूं आपको एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट आपके और मेरे साथ कितना टाइम है अपने साथ में अभी दो महीना टू बी मोर प्रिसाइस डेज अगर अपन मार्केट की बात ही अगर छह दिन कर लेंगे ना तो आपके सिलेबस के छे दिन कॉम्प्रोमाइज होते हैं मैं कितना भी बोलूं नहीं नहीं मैं आपको दोनों दूंगा प्रैक्टिकली जब टाइम उतना ही है तो मैं कहीं नहीं तो कहीं आपके सिलेबस को कॉम्प्रोमाइज करके वो दे रहा हूं आप एक काम करो बैच खत्म होने के बाद वैसे भी ये 20 दिसंबर से हमारा एक बैच लॉन्च होने वाला है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट जो ऑब्वियसली पी एस में लॉन्च हो रहा है बट बट ऐसे ही सेम फ्रिक्वेंसी पर बैचेस होते रहेंगे और आपकी बैच के लिए मैं स्पेशल ऑफर लेकर आऊंगा चलो फ्री फ्री रहेगा मगर अभी का नहीं एग्जाम के बाद का ठीक है ठीक है ये मेरी तरफ से वादा है ठीक है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट जो पंद्रह से अठारह सेशंस होते हैं वन एंड आफ आर वन एंड आफ आर के फ्री रहेंगे आपके लिए ठीक है, YouTube पे नहीं रहेगा पूरी दुनिया को फ्री करोगे क्या ठीक है, समझा तो अभी ये जो क्लास का टाइम है मैं जितना रेलेवेंट मार्केट का पोर्शन आएगा उतना बताऊंगा आपको ठीक है चलो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी डैश लीस्ट कॉस्ट एंड देर शुड बी प्रॉपर इधर ध्यान दो सब लोग पॉइंट पर आ जाओ वापस पॉइंट पर आ जाओ देर शुड बी प्रॉपर बैलेंस ऑफ रिस्क एंड कंट्रोल कंट्रोल डाइल्यूशन बैलेंस हुआ ठीक है रिस्क बैलेंस मतलब क्या रिस्क बैलेंस मतलब क्या कमिटमेंट कितना ले सकती है कंपनी चलिए दो मिनट के लिए सोचते हैं। एक पीएस लिमिटेड है और एक वीआर लिमिटेड है। पीएस लिमिटेड और वीआर लिमिटेड आपको लगता है दोनों कंपनी एक कंपनी ऑब्वियसली गरीब इंसान प्रशांत सरडा का है दूसरा कंपनी बहुत अमीर इंसान जो विनोद रेड्डी सर का है डॉन का है ठीक है कल शर्ट पहन के आए थे और ब्लेजर वालों को काम पे लगाया ठीक है और आज भी बोला ए ब्लेजर के जाने का आया तो मैं तो ऐसे केस में मुझे बताओ जितना रिस्क पीएस लिमिटेड ले सकता है उतना ही रिस्क वी आर लेगा ऑब्वियसली उससे ज्यादा लेगा क्योंकि भाई कंपनी जितना बड़ा उतना साइज में फंडिंग में बोल रहा हूं मैं भाई तो कंपनी जितना बड़ा रहेगा उतना रिस्क कैपिटाइट भी ज्यादा रहेगा समझे मैं बोलूंगा यार विनोद सर एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कर लेंगे ना सर तो ये देखो ये पांच परसेंट ग्रो हो जाएगा और अचानक से एक महीने बाद ना आपका पैसा इतना हो जाएगा तो एक काम कर लो सर मेरे हिसाब से ये स्टॉक अच्छा है आप इस स्टॉक में ना एक दस हजार रुपये इन्वेस्ट कर दो वो बोलेगा प्रशांत दस हजार रुपए पे पांच परसेंट मेरे लिए क्या मैटर करता है यार इतनी अमाउंट के लिए तो बात भी नहीं करता यार अपन जो इतना बात कर रहे ना इतना डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए इस पे तेरे को समझ रहे समझता है क्या पांच सौ रुपए के लिए मैं बात करने वाला हूं मतलब यही करने इधर आया है यार मतलब यहां पर मैं इन्वेस्ट करूंगा एक करोड़ बोल बोल एक करोड़ पे पांच परसेंट मिलेगा क्या बता आर यू अंडरस्टैंडिंग हिज रिस्क कैपिटाइट मैं बात करो दस हजार इन्वेस्ट कर लो वो बोल रहे एक करोड़ क्योंकि दस हजार क्या मिल रहे हैं उनको वो बोलेंगे एक काम करो करोड़ पे लगा पांच परसेंट क्या हो रहा है हाँ, ठीक है इन्वेस्ट तो रिस्क कैपिटाइट समझता है क्या ये पर्सन टू परसन मतलब कंपनी टू कंपनी वैरी होता है और इसी को बोलते हैं रिस्क शुड बी बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ कंपनी आर यू क्लियर चलो तो प्रोक्योरमेंट डन यूटिलाइजेशन डन इजेशन शुड गिव एस वॉट मैक्सिमम रिटर्न याद है ना यूटिलाइजेशन शुड गिव यू मैक्सिम रिटर्न नाउ लेट्स अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी फ्रेंड्स एज यू ऑल नो कल हमने डिस्कस किया भी था बट फिर भी एक बार वापस आज रिविजन कर लेंगे <coughs> सर ऑनलाइन वालों के लिए भी है ना सर यस यस ये बैच में जो एडमिशन लेगा ये बैच में जो एडमिशन लेगा अभी जो चल रहा है ठीक है इस बैच के जितने भी एडमिशन रहेंगे उनके लिए वो कोर्स रखेंगे अपन लोग डोंट वरी एट ऑल बट वो ऑनलाइन मोड में रहेगा आपके लिए फिर चलिए सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी फ्रेंड्स कल हमने क्या डिस्कस किया था वैल्यू ऑफ मनी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या समय के साथ साथ ध्यान दो मैडम ओके सेटल हो गया आप मैं बोलू अभी <coughs> समय के साथ साथ पैसे की वैल्यू चेंज होती है आज का पैसा आज से तीन साल बाद का पैसा अलग है सो so ये पैसा जो अलग है इसका वर्किंग कैसे करे ध्यान से सुनो आपके सिलेबस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितने मार्क्स के लिए आता है पूरे पचास पूरे पचास मार्क्स का टाइम वैल्यू ऑफ मनी है समझ लो क्योंकि पूरा एफएम टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर बेस्ड मैं आपको सिंपल लॉजिक से समझाता हूं क्यों आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फैसले आप जब इन्वेस्टमेंट करना बोलते हो तो इन्वेस्टमेंट कब हो रहा है आज रिटर्न्स कब आ रहे हैं फ्यूचर में फैसला लेना पड़ेगा ना आज और फ्यूचर के बीच फैसला लेने के लिए आपको मदद कौन करेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो लिटरली स्पीकिंग इसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हार्डली एक लिखा जाएगा मगर पूरा पूरा सिलेबस इस पर बेस्ड है तो अगर पूरा सिलेबस इस पर बेस्ड है इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में परफेक्टली जाने चाहिए चलो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में तो जिन लोगों के पास नोट्स है वो लोग नोट्स में पेज नंबर इलेवन पे जाएंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चार पॉइंट्स अपन ने कवर किए थे वो चारों पॉइंट्स वहां पर टेंथ इलेवेंथ पेज नंबर पर दिख रहा है आपको रीजंस फॉर प्रेफरेंस ऑफ मनी दिखा क्या रीजंस फॉर प्रेफरेंस ऑफ मनी दिखा ना क्या रीजन है गाईस? पहला रिस्क रिस्क मतलब क्या फ्यूचर मनी में रिस्क है प्रेजेंट मनी में रिस्क नहीं है तो ऑब्वियसली फ्यूचर के मनी अलग वैल्यू कैरी करता है प्रेजेंट का मनी अलग कैरी करता है रिस्क प्रेजेंट मनी हैज नो रिस्क बिकॉज मनी इज रिसीव टूडे बट फ्यूचर मनी ऑलवेज हैज रिस्क विच मनी डू यू प्रेफर प्रेजेंट प्रेजेंट मनी बिकॉज प्रेजेंट मनी हैज नो रिस्क समझा दूसरा पॉइंट क्या लिखा है वहां पर प्रेफरेंस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पन आपको पैसा आज चाहिए या तीन साल बाद आज क्यों क्योंकि आज अगर पैसा मिला तो आज ही खर्च कर सकते हैं ना अपनी जरूरतों पर कंजम्पशन मतलब पैसा खर्च करना है अपनी जरूरतों पर तो भाई आपको अगर पैसा आज ही मिल जाए तो आज ही कंजम्पन के लिए यूज कर सकते हो किसी भी पर्सन को फ्यूचर कंजम्प्शन अच्छा लगता है कि प्रेजेंट प्रेजेंट कंजन अच्छा लगता है आपके पेरेंट्स ने आपको बोल दिया कि पास हो जाए आईफोन मिल जाएगा तो तुम बोलोगे पास तो मैं हो जाऊंगा आज दे दो है ना ठीक है बेटा एक काम करते परसों जाते लेने के लिए आज क्या कर रहे हो शाम में आज जाते हैं ना मतलब क्या हुआ आपको कोई भी चीज कंजन के तक कभी भी डैश प्रेफर्ड होती है प्रेजेंट प्रेफर प्रेजेंट कंजम्पन टू एवरी वन हाँ या ना तो प्रेजेंट कंजम्पन के लिए क्या लगता है पैसा लगता है तो पैसा कभी भी मिलेगा तो चलेगा क्या नहीं आज मिलेगा तो प्रेजेंट कंजन के लिए आज ही काम में आएगा पॉइंट क्लियर थर्ड पॉइंट क्या लिखा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पैसा अगर आज मिल जाए तो क्या कबड़ में रखोगे क्या करोगे इन्वेस्ट करोगे इन्वेस्ट कर उसे ग्रो करोगे सही है क्या इन्वेस्ट करोगे और इन्वेस्ट कर उसे ग्रो करोगे और तीन साल बाद तक तो वो और बड़ा अमाउंट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आज पैसा चाहिए या फ्यूचर में चाहिए क्योंकि पैसा आज मिले तो आज इन्वेस्ट कर कर फ्यूचर में ग्रो हो जाएगा आर यू क्लियर लास्ट पॉइंट क्या लिखा है इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन मतलब राइजिंग प्राइसेस अच्छा कोई इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ सकता है क्या येस yes, आ सकता है बट वो एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन है ऑर्डनरी सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन क्या होता है इन्फ्लेशन होता है समय के साथ साथ पैसों की वैल्यू कम होती है

पैसों का कम कम होता है इसलिए पैसों की वैल्यू घटती है उसको हम वैल्यू बोलते हैं आर यू क्लियर तो पैसों की वैल्यू के समय के साथ साथ क्या होती है घटती है कम होती है आर यू अंडरस्टैंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ मनी डैश डिक्रीजेस ड्यू टू डैश इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ड्यू टू इंफ्लेशन ऑफकोर्स क्या लिख रहे हो भाई ऐसा क्या लिख रहे हो इतना इम्पोर्टेंट तो मगर बाजू वाला भी उधर ही देख रही है वो मैडम भी उधर ही देख रही है तुम लिख रहे हो मैडम देख रही है और उसके बाजू वाली मैडम वो देख रही है इधर मैं चिल्ला हूं यार भाई ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट तू लिख रहा है जो मैं नहीं बोल पा रहा हूं पक्का ना हाँ मैडम प्लीज वो उसका उसका नोट्स बना रहा है अपन अपनी बात करते ठीक है <coughs> क्या ना ऐसे इग्नोर किया हुआ नहीं पसंद आता यार थोड़ा सा ठीक है नहीं मैं तेरे को नहीं मैडम को बोल रहा हूं यार ठीक <coughs> <coughs> है चार रीजन वाई यू प्रेफर टूडेज मनी कंपेयर टू फ्यूचर पहला क्या बोला रिस्क दूसरा बोला प्रेफरेंस ऑफ प्रेजेंट कंजम्शन जिसको कर अपने प्रेजेंट कंजम्शन लिखा था तीसरा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लास्ट इन्फ्लेशन करेक्ट चार रीजन याद रहेंगे ना एमसीक्यू याद रहेगा ना चार रीजन ठीक है उसी पेज के बाद ट्वेल्थ पेज नंबर पर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का हेडिंग दिखेगा ठीक है ऑनलाइन वालों को बुक कब तक मिलेंगी क्यों चिंता कर रहे हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ वहां से डाउनलोड कर लो अभी मिल जाएगा अभी मिल जाएगा आपको एक सेकंड में ठीक है डिस्पैचिंग शुरू हो चुका है नॉर्मली डिस्पैचिंग टेक्स फाइव डेज टू रीच योर प्लेस कभी कभी अगर बहुत नजदीक रहेगा तो दो दिन तीन दिन में आ जाता है बुक बट फिजिकल बुक आने तक आने तक आप वेट क्यों कर रहे हो आप डायरेक्टली डाउनलोड कीजिए मेरा बुक एक नोटबुक लीजिए और लिखना चालू कीजिए डोंट वरी एट ऑल चलिए सो फ्रेंड्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कंसेप्ट में दो टेक्निक होती है कितने दो कौन बोलेगा दो टेक्निक माइक कहां पर है माइक आपका आप बोलोगे यार ऐसे क्या कर रहे हो दो टेक्निक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देर आर टू टेक्निक्स इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी टू टेक्निक्स इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी अच्छा चलो हिंट देता हूं मैं आपको एक होता है प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाने के लिए एक होता है फ्यूचर से प्रेजेंट आने अब उधर पास करो माइक कंपनी बराबर है ना? नाम सुना आपने ये Discounting technique compounding technique. ये दो नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ये दो techniques है. इसमें से हमारे सिलेबस में मेनली कौन सा टेक्निक आएगा डिस्काउंटिंग कौन सा आएगा डिस्काउंटिंग टेक्निक आएगा तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पर आप दो पार्ट बनाओगे यहां पर आप दो पार्ट बनाओगे और यहां फर्स्ट पार्ट में आएगा डिस्काउंटिंग टेक्निक और राइट साइड आप लिखोगे कंपाउंडिंग टेक्निक व्हाट इज डिस्काउंटिंग टेक्निक Discounting technique, we find dash value of dash money. Huh? Absolutely correct. Present value of future money. So right, there. Discounting. Under. we find present value PV of future money. वी फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी लिखा और कंपाउंडिंग में हम क्या लिखेंगे वी फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मनी वी फाइंड ठीक है फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मनी सबको क्लियरली नजर आ रहा है वी फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मनी जब आज के पैसों की तीन साल बाद पांच, तो, पांच साल बाद वैल्यू क्या रहेगी ये ढूंढना है तो कंपाउंडिंग पांच साल बाद के पैसों की आज की वैल्यू ढूंढनी होगी तो डिस्काउंटिंग सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्या रहेगा डिस्काउंटिंग इसलिए नेक्स्ट पेज पर टेक्स्ट बुक में डिस्काउंटिंग टेक्निक लिखा है दिख रहा है क्या बट कंपाउंडिंग नहीं लिखा है सो वी विल बी फोकसिंग ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ कोर्स वी हैव अ रेलेवेंस ऑफ कंपाउंडिंग बट वी विल मोर फोकस ऑन डिस्काउंटिंग आर यू क्लियर नाउ डिस्काउंटिंग टेक्निक के नीचे लिखो वी यूज आपको याद होगा तो फाउंडेशन में आप इसे बोलते थे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स क्या बोलाते थे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स दो तरीके के डिस्काउंटिंग फैक्टर्स थे फ्रेंड्स पहला था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और दूसरा था प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर बोलो एक बार प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर दोनों भी क्या है डिस्काउंटिंग फैक्टर्स है बोलो दोनों भी क्या है डिस्काउंटिंग फैक्टर्स है ओके okay. तो यहां पे हम लिखेंगे वी यूज डिस्काउंटिंग फैक्टर्स दैट इज पी वी एफ आर कॉमा एन इस तरीके से लिखते पीवीएफ कैपिटल लिखते और नीचे ब्रैकेट में आर कॉमा एन लिखते हैं व्हाट इज पी वी एफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट एन क्या है? नंबर ऑफ इयर्स ठीक है एंड पी वी एफ आर कॉमा एन वॉट इज पी वी एफ प्रेजेंट वैल्यू एंड यूटी फैक्टर यहां पर सिर्फ लिखने के लिए लिखेंगे बट हम यूज नहीं करेंगे जब जब यूज करेंगे मैं आपको समझा दूंगा यहां पर हम बोलेंगे वी यूज सी वी एफ आर कॉमा एन एंड सी वी ए एफ आर कॉमा एन ये क्या होता है सीवीएफ का लॉन्ग फॉर्म क्या है कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर और सीवीएफ कंपाउंडिंग वैल्यू एन्यूटी फैक्टर ठीक है वी यूज पी वी एफ पी वी एफ

ठीक है आज से प्रैक्टिकल पार्ट शुरू अगर अब कोई पूछे कि सर कल से सेशन में आ सकते हैं क्या तो ऑब्वियसली इसके बाद का पार्ट पढ़कर ही आना पड़ेगा समझा क्या तो आज से हमारा पार्ट जो लिंकिंग से रहेगा वो शुरू हो गया ठीक है तो इसके आगे जो भी पढ़ेंगे लिंकिंग से रहेगा मतलब अगला पार्ट कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जो तुम्हें यहाँ का रेलेवेंस लगेगा ठीक है तो <coughs> यहां पर लिखो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर्स कोई भी डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना हो भले ही पी हो या पी वी हो आपको आर एंड एन की जरूरत गिरेगी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स तो एक काम कर लेते लेटेस्ट अज्यूम आर एज समथिंग एंड एक्स एन एज समथिंग लेटेस्ट अज्यूम आर इज इक्वल टू टेन लेते एंड एन इज इक्वल टू फाइव लेना है ठीक है ठीक है आर कितना लिया टेन परसेंट एन कितना लिया फाइव इन सब लोग लिख रहे हैं मेरे साथ साथ सबका दिमाग और सब कुछ शुरू है गुड अब यहां पर फर्स्ट आइटम हम ढूंढ रहे हैं वो है कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सब लोग कैलकुलेटर्स निकाल लो कैलकुलेटर्स निकाल लो सब लोग एंड जो मैं यहां पर लिखू, आपको लिखना नहीं है कैलसी पर करना है. और फिर लिखने के लिए मैं अलग से टाइम दूंगा कैलसी पर करना है मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनना है आपको भी कुछ पार्टिसिपेशन करना है और उसके बाद हम लिखेंगे लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं आपको समय दूंगा लिखने के लिए <coughs> कम ऑन फ्रेंड्स सो कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आर और एन कितना ले रहे दोस्तों टेन परसेंट एंड फाइव सब लोग रेडी है कोई भी लिखेगा नहीं सबके सामने कैलकुलेटर्स चाहिए मुझे कैलकुलेटर्स नहीं रहेंगे तो मुश्किल है गुड है ना डिवाइडेड बाय पॉइंट वन कीजिए कैलसी पर क्यों वन पॉइंट वन कर रहे टेन परसेंट रेट इसलिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्वेल्व होता तो वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन टू होता सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए उधर सबका ध्यान मेरी तरफ है तो कैलसी चल रहा क्यों नहीं है चल रहा है ना तो वन डिवाइडेड बाय 1.1 अगर 12% होता तो 1 डिवाइडेड बाय 1.12 अगर 13. होता 13.5% होता तो 1 डिवाइडेड बाय 1.135 9% होता तो 1 डिवाइडेड बाय 1.09 4.25 होता तो 1 डिवाइडेड बाय 1.0425 सही है कि नहीं सब लोग हैं मेरे साथ सो so, डिवाइडेड बिकॉज़ ये रेट है इज इक्वल टू करोगे तो फर्स्ट ईयर फैक्टर आएगा क्या आएगा फर्स्ट ईयर फैक्टर है दिख रहा होगा करेक्ट सेकेंड टाइम इज इक्वल टू प्रेस करोगे सेकेंड ईयर फैक्टर आएगा पॉइंट एट टू सिक्स फोर समथिंग आया थर्ड टाइम इज इक्वल टू प्रेस करोगे आएगा फोर्थ टाइम प्रेस करोगे तो सिक्स एट थ्री जीरो आएगा एंड फिफ्थ टाइम प्रेस करोगे तो पॉइंट टू जीरो ऑल ऑफ यू तो आप मुझे बताएंगे कि ये फैक्टर सबके स्क्रीन पर आया क्या कैलसी के किसी के भी स्क्रीन पर नहीं आया तो हाथ ऊपर कीजिए मैं फिर से रिपीट करता हूं और बे जीजे खातू पर कीजिए पूरे क्लास का टाइम वेस्ट होगा ये सिली डाउट है ऐसा सोचने का ही नहीं आपने फीस भरी है आपको पैसा वसूल करने आना चाहिए और आपका एग्जाम के पार जाना चाहिए और इस बैच का अस्सी तो वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन इक्वल टू इक्वल टू कितनी बार पांच बार पांचवी बार करेंगे तो ये फैक्टर आया ये आपका आंसर है वॉट इज दिस सर दिस इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर टेन परसेंट एंड नंबर ऑफ इयर्स फाइव इयर्स समझा माइक कहां पर है आपके पीछे पास करो व्हाइट टी शर्ट क्या आप बता सकते हो पॉइंट सिक्स टू जीरो नाइन का मीनिंग क्या हुआ ऑन करो ऑन करो अगर फ्यूचर में वन परसेंट मिलने वाला है तो आज वन परसेंट मतलब 1 रुपीस का प्रेजेंट वैल्यू पॉइंट सिक्स टू जीरो नाइन वेरी गुड ध्यान से सुनो सब लोग फैक्टर्स निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है सुपर फैक्टर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है फैक्टर का इंटरप्रिटेशन आना चाहिए फैक्टर का इंटरप्रिटेशन क्या था अगर आज पॉइंट सिक्स टू मतलब सिक्सटी टू पैसे इन्वेस्ट कर दिए कितने रेट से टेन परसेंट से तो पांच सालों बाद एक रुपया मिलेगा या ऐसा बोलो फाइव इयर्स बाद वन रुपी चाहिए तो आज इन्वेस्ट करेंगे पॉइंट सिक्स टू जीरो काम करते कैलसी पर अभी भी पॉइंट सिक्स टू जीरो का पूरा फिगर है है ना नहीं रहेगा तो ला लो वापस ठीक है है ना अब रिवर्स जाते आप सोचते हैं कि आज इतना इन्वेस्ट किया सब है मेरे साथ प्लस टेन परसेंट एक साल हो गया इसी में प्लस टेन परसेंट सेकेंड ईयर प्लस टेन परसेंट थर्ड ईयर प्लस टेन परसेंट फोर्थ ईयर प्लस टेन परसेंट फिफ्थ ईयर समझ रहा है क्या दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लॉजिक ये जो आपने कैलसी पर किया इसका लॉजिक ये था कि पांच साल बाद का एक रुपया आज का वैल्यू सिक्सटी से आज सिक्सटी से दस परसेंट से इन्वेस्ट करेंगे तो पांच सालों बाद एक रुपया मिलेगा ज दैट एब्सुलटली क्लियर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अब लिखना मत लिखना मत हा हम कौन से टेक्निक में है डिस्काउंटिंग या कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग yeah. में डिस्काउंटिंग में हम कहां से कहा जा रहे हैं फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रहे हैं सब लोग बोलेंगे एक बार फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रहे हैं आ रहे क्या सब लोग तो यहां पर मैं लिख रहा हूं फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू अब बोलो मुझे फ्यूचर की कौन सी वैल्यू दी थी एक रुपया वैल्यू कितनी आई पॉइंट सिक्स टू जीरो नाइन इज दिस करेक्ट टेलिंग यू फ्यूचर में मुझे एक रुपया नहीं चाहिए फ्यूचर में मुझे एक पांच सालों बाद कुछ गाड़ी वाड़ी खरीदना है मुझे फ्यूचर में मान लीजिए फिफ्टी लाख रुपीस चाहिए कितना लाख पांच सालों बाद चाहिए ठीक है तो कहां लिखो फिफ्टी लाख किधर लिखो फ्यूचर वैल्यू के नीचे या प्रेजेंट वैल्यू के नीचे फ्यूचर वैल्यू के नीचे फ्यूचर में चाहिए ना भाई तो फिफ्टी लाख इधर लिख दो और उसके लिए मुझे आज एक बार कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा आया क्या आंसर अरे यार कमाल हो गया फाइनेंस मैनेजर करना जल्दी कितना आया थर्टी वन लैख फोर थाउजेंड क्या तो आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट बट स्टिल टेल मी द आंसर देर फोर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ये जो भी आंसर आप मुझे बोल रहे हो लाउडली इतने ये कैसे निकाला आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपने किसको किससे मल्टीप्लाई किया फिफ्टी लैक्स को पॉइंट सिक्स टू जीरो नाइन से मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आ गया तो आपका आंसर जो आया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था एक पहला फॉर्मूला बन गया और वो फॉर्मूला क्या है सब लोग मेरे साथ बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आर कॉमा एन ऑल ऑफ यू सही है कि नहीं भाई जबरदस्त मजा आ रहा है क्या ऑफिशियली ये एफएम का पहला फॉर्मूला था गाइस आसान कितना आंसर आया था थर्टी वन लैख फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड ठीक है कोई बात नहीं आप चार डेसिमल लोगे तो राउंड अप ही आंसर आता है पूरा लोगे तो आप सिक्स रुपीज वगैरह जो भी आंसर है आंसर वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं था फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था समझे क्या नाउ यू विल राइट इट नाउ आई से यू विल राइट इट तो ऑब्वियसली स्क्रीन की जरूरत नहीं होनी चाहिए जहां पर भी रुको बेझिझक स्क्रीन की तरफ देखो छुप छुप के देखने की जरूरत नहीं है ये अभी लिखना नहीं था श्रेया मगर अब लिखना है तो आप जब कमेंट कर रहे थे तब लिखना नहीं था ऑब्वियसली आप मेरे साथ कैलकुलेट कर रहे थे मैंने लिखने के लिए मना किया था अब लिखो आप फाउंडेशन so, में एक फॉर्मूला सीखा था मैंने वही फॉर्मूला कैलसी पर बना दिया कैलसी पर बना दिया क्या फॉर्मूला था वन प्लस आर रेस टू एन तो आप जो कर रहे हो वो वही है बट वो मैंने कैलसी पर बना दिया पूरा टेक्निक वाई वन डिवाइड बाई वन पॉइंट वन उसका रीजन में बोल रहा हूं आपको आप एक्चुअली क्या कर रहे हो बाद में मैं रफ कर दूंगा बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हो आप मत लिखिए और आपको लिखना है तो रफ में लिखिए ठीक है ठीके? आपने फाउंडेशन में फॉर्मूला पढ़ा था प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय वन प्लस आर रेज टू एन पढ़ा था ना अच्छा कैन आई से इज नथिंग बट वन डिवाइडेड बाय वन प्लस आर रेज टू एन इन टू फ्यूचर वैल्यू ऐसा लिख सकते हो ना मैं? यही सेम चीज को कैन आई राइट लाइक दिस एक ही बात है ना तो व्हाट इज दिस गाइज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये और उसी को तो अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्यूचर वैल्यू से और तभी तो आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू समझा कि नहीं अभी तो फाउंडेशन में एक अलग किया था अब अलग है क्या सर बिल्कुल नहीं सब एक ही है सिर्फ मैं कैसी पर आपका फॉर्मूला था उसको टेक्निकली कैलसी पर लाकर सॉल्व करा रहा हूं आपको एग्जाम में क्या करना है सर ये लिखना है एग्जाम में या ये लिखना है जो हमने पहले पढ़ा था कुछ भी लिखिए जिसमें आप कंफर्टेबल है वो लिखिए मेरे ख्याल से ये बेस्ट है बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो आपको फाउंडेशन अभी तक दिमाग में एकदम स्टेबल है और आप उस इतने रिजिड हो कि उससे स्विच नहीं होना चाहते हो तो कोई बात नहीं आप फाउंडेशन वाला लॉजिक भी यूज कर लो एक ही है दोनों भी एक ही है अगर अगर रेट जो है रेट वो टेन परसेंट नहीं होता और वो होता एट परसेंट और मैं पूछू आपको तीन साल का फैक्टर निकालो रेट है एट परसेंट सब लोग सुन लो रेट है एट परसेंट नंबर ऑफ इयर्स है थ्री इयर्स जस्ट आई एम राइटिंग इट यू आर नॉट सपोज टू राइट इट वी आर जस्ट डिस्कसिंग ओके तो चलो इधर लिख देता हूं बोलिए एट परसेंट बोला एन मैंने थ्री इन बोला तो आपने सबने क्या बोला वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट जीरो एट इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू ये थर्ड ईयर ये आपका आंसर कितना आया नाइन थ्री एट एट ले लो ठीक है ना कोई बात अच्छा पॉइंट सेवन नाइन थ्री एट ओके पॉइंट सेवन नाइन थ्री एट सबका आंसर आया अच्छा वो ब्लू टी शर्ट हेड डाउन रहेगा ना तो मैं व्हाइट टी शर्ट को फटके दूंगा मैं पटके बे रहम कर खुद पे रहम कर क्या सो रहा है इतना अब तक तो सो ही रहते ना अब तो जाग जाओ क्या मोटिवेशन एक दिन का था तुम्हारा अब तो एटलीस्ट स्ट्रेट बैठो सुस्त कैटेगरी <coughs> पॉइंट 7.938 means if we today invest 0.7938 at the rate of 8% for three years at the end of third year you will have one rupee in your account is this clear Chalo. ये just for our example था ये कोई काम करने था ये अपने just आपका समझ हुआ या नहीं हुआ वो देखने के लिए लिखा था ठीक है अब दूसरा फैक्टर कौन सा है आपके पास एक था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दूसरा फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर तो इसके नीचे calculating present value annuity factor सब लोग लिखो आपके पास आईपैड नहीं है तो ऑब्वियसली आपको लिखना पड़ेगा बट आप सिर्फ हेडिंग लिख रहे हो अभी उसके आगे का कंटेंट लिखना नहीं है आपको अभी हाँ कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू एनयूटी फैक्टर हेडिंग लिखा गया अच्छा r और n कितना रहेगा अपने हेडिंग में ही लिख दिया था वो दोनों के लिए 10% एंड 5 इयर्स इज दिस क्लियर टू एवरीवन ओके अब अपना अपना कैलसी लीजिए और मैं जो बोल रहा हूं वो आपको लिखना नहीं है आपको कैलसी पर करना है ये जो डैश 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 है ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर था ठीक है हर आंसर के बाद अगर आपके कैलसी पर जी नहीं है अगर नहीं है तो एम प्लस दबाना है क्या दबाना है एम प्लस और लास्ट में दबाना है एम आर सी तो एक बार मेरे साथ करेंगे सब लोग आगे नहीं बढ़ेंगे मेरे साथ करेंगे डिवाइडेड बाय इज इक्वल पॉइंट नाइन जीरो नाइन जीरो वाला एम प्लस सेकेंड ईयर ऑल्सो इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा पॉइंट एट टू सिक्स फोर एम प्लस थर्ड ईयर में जो आंसर आएगा पॉइंट सेवन फाइव वन थ्री एम प्लस फोर्थ ईयर में जो आंसर आएगा पॉइंट सिक्स टू जीरो नाइन नहीं सिक्स एट थ्री जीरो एम प्लस एंड फिफ्थ ईयर का जो आंसर था वो भी एम प्लस अब लास्ट में एम आर सी मेमरी रिकॉल मेमोरी रिकॉल करेंगे मेमोरी रिकॉल करेंगे थ्री पॉइंट आया क्या अच्छा ध्यान से सुनो सब लोग थ्री पॉइंट सेवन नाइन सबका आंसर आया क्या एवरी वन किसी के कैलसी पर आंसर नहीं आता है तो हैंड रेस कीजिए बिकॉज कुछ कैलकुलेटर्स में ट्रीटमेंट अलग होता है नहीं आया क्लास के बाद मिलना मुझे आप भी और कोई इस साइड से एक है कोई तो बोल नहीं रहा है सबके कैलसी पर आ गया ठीक है आप इधर ठीक है तो मिलना जरूर ठीक है वो बोल रही। नहीं मिलना है भाई इससे पॉइंट थ्री पॉइंट सेवन नाइन जीरो एट आया सेवन जीरो के आगे क्या है सेवन है ना तो फिर इसको वन बोलना चाहिए आपने इसको वन बोलना चाहिए टेक्निकली ठीक है फैक्टर्स कैलकुलेशन में कभी भी अगला डिजिट देखकर राउंड ऑफ करना है एवरी वन विद मी अच्छा सब लोग ध्यान देंगे अभी हाँ सब लोग ध्यान देंगे ये आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं था ये तो मैंने आपको बता दिया अगर जिनके कैलकुलेटर्स पर जी है ग्रैंड टोटल का फंक्शन है वो लोग क्या करेंगे मेरे साथ करेंगे ऑन कर दो कैलकुलेटर जीरो दबा दो सब नॉर्मल कर दो मेमोरी क्लियर चाहिए मुझे ठीक है वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन क्वल टू इज इक्वल टू पांच बार एंड डायरेक्टली जीटी दबाना है आपको किया क्या आया क्या आया अरे लोग पार्टी चल रही है तुम्हारी इधर ध्यान दो अभी क्लास के बीच खाना अलाउड नहीं है क्लास के बीच अलाउड नहीं है क्योंकि आपको इमीडिएटली ब्रेक है तो भाई इधर ध्यान दो थोड़ा कंट्रोल ठीक है <laughs> मतलब तुम यहाँ पे मेरे सामने कहोगे और मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ है ना मतलब बोल रहे और हाँ। नहीं सुना फिर से बोल क्या है 3.791 ये आंसर आया अच्छा मुझे ना इसका माइक कहाँ पर है इधर पास करो आपके पास हाँ <clears throat> मुझे ना इसका इंटरप्रिटेशन चाहिए थ्री पॉइंट सेवन नाईन का एक मिनट सब लोग शांत रहेंगे और आप सब लोग आपने अपने इंटरप्युटेशन रेडी रखो थ्री पॉइंट सेवन नाईन बोलिए थ्री पॉइंट सेवन नाईन हे जे आपण ऍन्युटीव वॅल्यू देता ना रे रेग्युलर बेसिस फ्यूचर मध्ये आणि अमाऊंट भेटते आपल्याला त्याची प्रेझेंट वैल्यू आहे सो so, एक उदाहरण घेऊन सांगू शकणार तू कॅन यू टेक वन एक्झाम्पल अँड टेल मी एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट वॉट एव्हर शी विल टेल मी आय विल कन्वर्ट दॅट इनटू हिंदी ऑर इंग्लिश अँड देन विल डिस्कस ओके बोलो जर इन्व्हेस्टमेंट केलं इन्व्हेस्टमेंट करताना आपण तो रेगुलर बेसिस पर जर एनुअल इन्वेस्टमेंट के लिए एफ सर का रेगुलर रिकरिंग डिपॉजिट सर रिकरिंग डिपॉजिट तर तेची एक फाइनल अमाउंट है ना फ्यूचर में दी तेची प्रेजेंट वैल्यू काल दे मतलब तुमको एक्चुअली यहाँ से दुबई जाना तो तुम लंदन गए फिर दुबई आए चलो माइक पास करोगे तुम फर्स्ट बेंच पर भविष्यात होणार नफा भविष्यात होणार नफा भविष्यात होणार नंबर हा म्हणजे त्यासाठी गुंतवलेली गुंतवणूक ओके कमंट राईट कमन्ट राईट एवरीवन बोलो 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 आप बोलोगे आंसर? अरे ये क्या पासिंग तुम लोग माइक चला गया बोलो 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 देखिए यहाँ पर इतने सारे हाथ ऊपर है आप भी ट्राई कर सकते हो एक मिनट सब लोग शांत रहेंगे अभी अब एक एक मिनट हाँ बोलो वन सेकेंड सर uh... सब लोग इधर ध्यान देंगे हाँ हेलो uh. हाँ टिकरिंग सर रिकरिंग व्हाट इज थ्री पॉइंट सेवन नाइन वन का लॉजिक uh, माइक नजदीक लेके आंसर करो नहीं आ रहा है नहीं सर एग्जैक्टली exactly आपके पीछे ये yes. सर मतलब एक मिनट सब लोग शांत रहेंगे और आंसर को सुनेंगे यस yes. मतलब जब हम किसी रिकरिंग पेमेंट रिकरिंग पेमेंट तो प्रेजेंट वाले एनुटी मतलब है, शायद वो वैल्यू है जो हमें बार बार जमा करनी है ताकि फ्यूचर में हमें पर्टिकुलर अमाउंट मिले बार बार जमा करनी पड़ेगी वो ये वैल्यू है ताके फ्यूचर में एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल पाए क्या लगता है आपको क्या लगता है आपको कितने लोग ये आंसर से सहमत है कि 3.79 बार बार जमा करने वाली अमाउंट है ताकि फ्यूचर में आपको एक अमाउंट मिले माइक पास करो इधर अभी उधर के रेडियस से किसी को आंसर देना है तो जल्दी आंसर दो जल्दी आंसर दो अगर देना है तो यस सर uh, अगर थ्री पॉइंट सेवन नाइन वन है ये जो फिगर है तो अगर हमने आज पर्टिकुलर अमाउंट एज इन्वेस्ट की तो फ्यूचर uh, में कितने अमाउंट uh, इन्वेस्ट करनी पड़ेगी जो को थ्री पॉइंट सेवन नाइन वन देगी फ्यूचर में प्रेजेंट में नहीं पास करो किसी को बीच में आंसर आता तो आंसर कर सकते यस यहाँ पर भी आंसर आ रहे हैं ऑनलाइन वालों के भी आंसर आ रहे हैं तो बताइए मुझे आप आपका आंसर अगर सही नहीं रहेगा तो ऑनलाइन वालों का आंसर पढ़ूंगा मैं बहुत लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हैं बोलिए अरे जल्दी बोल भाई अगर हर साल एक एक रुपया पांच साल तक इन्वेस्ट करते रहे तो उसका जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा पांच साल के एंड में उसका आज का वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू है थ्री फिर से जाना था दुबई गए लंदन फिर आए दुबई क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एवरी ईयर वन वन रुपी मिलेगा अगर आज आपने थ्री पॉइंट सेवन नाइन इन्वेस्ट किया समझ रहे हो अच्छा सब लोग ध्यान से समझेंगे पहले तो सबको ये कैलकुलेशन समझा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉजिक कैलकुलेशन समझा अच्छा लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एन्यूटी Annuity का मतलब क्या हुआ पीरियोटिकली अगर आप सेम फ्रिक्वेंसी के बाद सेम अमाउंट या तो इन्वेस्ट कर रहे हो या तो रिसीव कर रहे हो सिर्फ इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है रिसीव भी कर सकते हो आप जैसे कि आप लोग मेनली एम आई पे करते हो बैंक का ई एम आई आप नहीं मतलब आपके पेरेंट्स वगैरह पे करते एवरी वन फेज सो ई एम आई जो होता है वो क्या होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ई एम आई का लॉन्फर्म क्या है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट तो guys, ऐसे केस में EMI जो आप कर, आपके पेरेंट्स पे कर रहे वो रेगुलर बेसिस पर सेम अमाउंट है या अलग-अलग है है सेम अमाउंट तो ये बन गया एन्यूटी वो बस इयरली नहीं रहते हुए क्या बन गया मंथली इसलिए इसके नाम में क्या है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट और हम क्या पढ़ रहे ईयरली पहली बात तो समझिए आपको आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली द मीनिंग ऑफ एन समझा क्या So, for example, every year 1000, 1000, 1000 for another 5 years. Is this an example of annuity? Hi Yes. Every uh, year, but first year 1000, second year 2000, third year 3000. Is this an example of annuity? No. Achha, first year 1000, third year 1000, eighth year 1000. This is also not. Matlab, amount be same chaiye, or time interval be same chaiye. तो उसको बुलाते हैं पहली बात मैंने समझाई आपको का मीनिंग ये क्लियर है क्या अच्छा पे करना जरूरी है या रिसीव भी हो सकता है? रिसीव भी भी हो हो सकता सकता है है वो भी है इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू देयर ओके नाउ सी व्हाट हैपेंस ये जो आपने आंसर निकाला ये डिस्काउंटिंग का फैक्टर है कि कंपाउंडिंग का पहले ये बताइए ध्यान दोगे ये फैक्टर कौन सा था डिस्काउंटिंग का था अगर डिस्काउंटिंग का था गाइस तो इसका मतलब हम अभी भी फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू की तरफ आ रहे हैं लिखो मत लिखना मना है किया अभी तक कुछ नहीं लिखा आपने आ लिखना नहीं है आपको अभी तक ठीक है फ्यूचर से प्रेजेंट पर आ रहे हैं बट फर्क एक बहुत बड़ा फर्क है ध्यान दो भैया नीचे ध्यान मत देना स्क्रीन की तरफ ध्यान देना आपके सामने स्क्रीन है फ्यूचर में वन रूपी नहीं है वन रूपी पर एनम है जिसको हम बुला रहे हैं फ्यूचर वैल्यू के साथ साथ एन्यूटी मतलब फ्यूचर में जो वो वैल्यू है वो एन्यूटी है क्योंकि वो एवरी ईयर सेम अमाउंट है रुपी वन रुपी एन्यूटी उसका प्रेजेंट वैल्यू तुमने निकाला एंड उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना आया व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू थ्री पॉइंट सेवन नाइन वन अंडरस्टूड

क्योंकि तो वन रुपी फर्स्ट ईयर का अलग होता है सेकंड ईयर का अलग होता है थर्ड ईयर का अलग होता है वैल्यू टर्म्स में बट अपनी कॉमन भाषा में अपन क्या फॉर गेटिंग फाइव रुपीज टूडे हाउ मच यूनिट टू इन्वेस्ट थ्री पॉइंट सेवन नाइन ऊपर का वो जो डिफरेंस है वो क्या है इंटरेस्ट समझा क्लैरिटी है अब एक काम करते हैं इसको क्रॉस चेक करना है जैसे अपन पहले वाले को क्रॉस चेक किए थे इसको भी क्रॉस चेक करेंगे फिर आप लिखोगे ठीक है कैलसी पर सबके स्क्रीन पर थ्री पॉइंट सेवन नाइन डाटा डाटा जो भी है है क्या नहीं रहेगा तो निकाल लो कैलसी पर सबके स्क्रीन पर थ्री पॉइंट सेवन नाइन जो भी है वो आना चाहिए है क्या देख रहा हूं मैं और उधर से तो फर्स्ट बेंच वालों के कैलसी के ऊपर क्या फिगर है वो भी दिख रहा है मुझे ठीक है चलिए तो अब ऐसे केस में ये अमाउंट जो आपके स्क्रीन पर है यहीं से कैलकुलेशन शुरू होगा जस्ट इमेजिन करो आपके स्क्रीन पर है मतलब आपने इन्वेस्ट कर दिया आज की वैल्यू ना वो आपने कितना इन्वेस्ट किया थ्री पॉइंट सेवन ठीक है कितने रेट से टेन परसेंट से बट सुनो सुनो अच्छे से एवरी ईयर तुम्हें वन वन रुपी मिल भी रहा है ठीक है जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको कैसे पे करना है आगे बढ़ना नहीं है ठीक है तो जो थ्री पॉइंट सेवन नाइन जो भी फिगर है उसमें प्लस टेन परसेंट करो बिकॉज तुम्हें ईयर के एंड तक इंटरेस्ट मिला ठीक है माइनस वन रुपी करो क्योंकि आपने एक रुपया विदड्रॉ कर लिया किया फर्स्ट ईयर खत्म हुआ सब लोग समझे क्या अब सेकेंड ईयर में वापस इंटरेस्ट मिलेगा इसलिए प्लस टेन परसेंट माइनस वापस वन रुपी करेंगे सेकेंड ईयर का विड्रॉल सेकेंड ईयर खत्म हुआ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट प्लस टेन परसेंट एड कर दो माइनस करो वन रुपी विड्रॉल वाला थर्ड ईयर खत्म फोर्थ ईयर प्लस टेन परसेंट माइनस वन रुपी, फोर्थ ईयर खत्म फिफ्थ ईयर का प्लस टेन परसेंट माइनस वन रुपी, कैलसी पर फिगर जीरो पॉइंट जीरो लगभग जीरो है समझा क्या हुआ आपने इन्वेस्ट किया था थ्री पॉइंट सेवन नाइन समथिंग हर साल इंटरेस्ट मिला विड्रॉल हुआ इंटरेस्ट मिला विड्रॉल हुआ और पांच साल के बाद वैल्यू बन गई जीरो वेरी क्लियर टू यू नाउ आई डोंट वांट वन रुपी पर एनम फॉर नेक्स्ट फाइव uh, मेरा एक टारगेट है मुझे लगता है कि चलो यार एक काम करते आ, पांच सालों तक मुझे कोई एल का प्रीमियम भरना है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा अमाउंट है थ्री लाख पर एन कितना है थ्री लाख पर एन का मुझे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरना है बट प्रॉब्लम क्या सुनो आप मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर हो भाई ध्यान से सुनो मैं क्लाइंट हूँ आपका मुझे एवरी ईयर कितना भरना है एल प्रीमियम थ्री लैख्स मैं आपके पास आया और बोला ये थ्री थ्री लैख्स बार बार भरना है मुझे एक ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर दो कि आज ही बोल दो कितना भरना है वो उसमें से ऑटोमेटिकली प्रीमियम चले जाना चाहिए समझा तो आपने बोला कोई बात नहीं वन रुपी पर एन अगर चाहिए तो आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा थ्री पॉइंट सेवन नाइन वन तो आपको चाहिए थ्री लाख पर एनम तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा थ्री लाख एक काम करते लैक्स में लिख देते थ्री लैक्स इन थ्री पॉइंट सेवन नाइन वन इज इक्वल टू इलेवन लैख थर्टी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड पकड़ लो ठीक है छह रुपए का डिफरेंस मैटर नहीं करता आप बाद में जीपे कर देना मुझे ठीक है अभी ध्यान दो ठीक है पहले वो भी कर देना एक साथ मैं देने ना मैं मैं देने वाला हूं तो गाइज सब लोग ध्यान दो एक मिनट सुनिए अभी इलेवन लैख थर्टी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड इंपॉर्टेंट था ही नहीं हमारा दूसरा फॉर्मूला रेडी हो गया है और दूसरा फॉर्मूला क्या है गाइज बोलिए प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू नहीं फ्यूचर वैल्यू नहीं एन्यूटी इंटू ये क्या था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आर कॉमा एन प्रेजेंट वैल्यू एन फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर आर कॉमा एन समझा क्या ये समझा क्या ये तो ये फॉर्मूला हमारा रेडी हुआ है और ये फॉर्मूला कब यूज होगा जब फ्यूचर में एन्यूटी चाहिए और तुम उसे आज की वैल्यू निकाल रहे हो फ्यूचर में एन्यूटी चाहिए और तुम्हें आज की वैल्यू निकालनी है तब ये फॉर्मुला यूज होगा ऊपर वाला फॉर्मुला कब यूज होगा फ्यूचर में एक बार अमाउंट चाहिए और तुम्हें आज इन्वेस्टमेंट करना है आज की वैल्यू जानना चाहते हो आप फॉर एग्जाम्पल तीन साल बाद मुझे गाड़ी पांच साल बाद मुझे गाड़ी खरीदनी थी पचास लाख की क्या हर साल खरीदनी थी कि एक बार एक बार तो मैंने ये फॉर्मुला यूज किया बट मुझे नीचे एल का प्रीमियम भरना था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरना था क्या वो एक बार था या हर साल था हर साल मुझे आज की वैल्यू ढूंढनी थी ये आ गई तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई हो रहा है वो समझ रहा है अच्छा कौन से फॉर्मूले का क्या लॉजिक है डेरिवेशन है वो समझ रहा है कोई भी फॉर्मूला मैजिकल नहीं होता लॉजिकल होता है बराबर है ना बस लॉजिकली पूरे फॉर्मुले आपके एफ के ऐसे ही होंगे ठीक है लिख लो अभी आपको लिखने का परमिशन अब है इक्वल टू एम प्लस बट अगर आपके कैलसी पर जी टी है तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है बट फिर भी ये टेक्निक आपको जरूरी है सीखना ध्यान दो बात मत करो आसपास वालों से इज इक्वल टू एम प्लस जरूरी है भले ही जी टी हो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको क्वेश्चन आंसर के वक्त समझेगा हाँ, अभी आप डिस्काउंटिंग के दो सीखे हो कंपाउंडिंग के भी ऐसी दो है जो फैक्टर्स डिस्काउंटिंग के होते हैं वैसे फैक्टर्स कंपाउंडिंग के भी होते हैं वन डिवाइडेड बाय होता है वहां पे वन इन टू होता है एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ वन अनदर होते हैं बट अभी हम कंप्लीट फोकस डिस्काउंटिंग पे करेंगे बाद में सिलेबस में कंपाउंडिंग जब आएगा मैं सिखाऊंगा आपको डोंट वरी यहां तक का पार्ट सबको क्लियर है अच्छा आज आपका होमवर्क है क्या होमवर्क है आपका आज आज आपका होमवर्क है कि भाई फॉर्मूला बुक जो आपने कल खरीदी होगी नहीं सर आज वापस याद आया सर आज खरीद लो खरी ना वेरी गुड नहीं खरीद रहेगी तो फर्स्ट फ्लोर पर ही स्टेशनरी शॉप है उनको मैंने रिक्वेस्ट कर, कर छोटा बुक आपके लिए मंगाया भी है गोपाल स्टेशनर्स कुछ है ना फर्स्ट फ्लोर बुक को उनको बोला छोटा वाला बुक दे देना थर्टी रुपीस का बोलना थर्टी थर्टी फाइव रुपीज का ठीक है उससे भी छोटा बेटा पॉक ऐसा बुक चाहिए हाँ वैसा छोटा सा एकदम छोटा सा बट इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम सेंटर में ले जाना है वो आपने को। वो तो पक्का तू जेब में डालने वाला है इतना डायरी बनाया तूने छोटा सा बुक हाँ चलेगा कोई प्रॉब्लम तो ध्यान दो अभी वे का? रुको अब सुनो आपका होमवर्क योर होमवर्क फॉर टुडे यस ये ये नोट्स जो है ये टेलीग्राम पे मिलेंगे और टेलीग्राम का नाम है सीए प्रशांत सरडा डैश इंटरमीडिएट एफ अब सुनो होमवर्क है आपका कैलकुलेट सब लोग इधर देखेंगे होमवर्क नहीं चाहिए तो बोल दो मैं कल से होमवर्क आज से होमवर्क देना बंद कर चाहिए ना आपके प्रैक्टिस के लिए कैलकुलेट पी वी एफ आर कॉमा एन एंड पी वी एफ आर कॉमा एन फॉर नंबर वन आर इज इक्वल टू नाइन परसेंट एन इज इक्वल टू ट्वेल्व इयर्स कैलकुलेशन दिखाना नहीं है आई डायरेक्टली वॉन्ट आंसर कैलकुलेशन दिखाना नहीं है डायरेक्टली जो कैसी पर आंसर आएगा वो लिखना है पी अलग लिखना है और पी वी अलग लिखना है कर लोगे दूसरा R इज इक्वल टू ट्वेल्व पॉइंट सेवन फाइव परसेंट एन इज इक्वल टू थ्री ईयर्स लिख लो बेटा कैमरे में बहुत सारे फोटोज़ जमा हो जाते हैं बाद में ठीक है आर इज इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव परसेंट एन इज इक्वल टू ट्वेंटी ईयर्स बस तीन पार्ट ये तीनों के PVF एंड पी होमवर्क कितने इसका मतलब छ हार्डली कितने मिनट का है एक से दो मिनट बट करोगे नहीं तो कल कुछ नहीं समझेगा

बाकी ग्रुप टू के लेक्चर्स है ना कल बस फिर अपना ही राज रहेगा चलो पहला संडे है इसलिए छुट्टी दे रहा हूं थैंक यू वेरी मच बाईस बाय बट अगले संडे से क्लास रहेगा बाय 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 फर्स्ट संडे छुट्टी दे दिया है अगले संडे से क्लास रहेगा बाय